अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी आप लोगों के। अटेंडेंस काइंडली मार्क करते जाएं जो जो लोग आते जा रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, अभी जिन्होंने लास्ट पे अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह बोला है, आपका नाम नहीं शो हो रहा, तो streamyard.com/facebook पे जाएं और जाके अपना नाम परमिट करें ताकि मुझे नजर आए। अटेंडेंस भी काइंडली मार्क करते जाएं, जो जो लोग आते जा रहे हैं अटेंडेंस मार्क करते जाएं। जी इमन, स्टार्ट में बनाएं क्योंकि प्रेजेंटेशन के अंदर भी कंटेंट की इन्वॉल्वमेंट है, बना लें स्टार्ट में, कोई इशू नहीं। मैं आज आपको थोड़ा सा बताऊंगा अभी कि कौन कौन से गिग्स आप अभी बना सकते हैं, और बाद में ये है कि गिग कभी भी एडिट की जा सकती है, गिग कभी भी रिमूव की जा सकती है, तो स्पेस बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि एक बार बना दी तो वो बस वही वो फॉरएवर बस रहेगी। तो इसलिए जो कुछ अभी हम लोग बना सकते हैं बनाएंगे, क्योंकि स्टार्ट मिल जाता है और फिर जैसे जैसे स्किल्स ऐड होती जाएंगी फिर हम हार्ड कोर स्किल्स की तरफ ट्रांसफर होते जाएंगे जो हम सीख रहे हैं। कल बहुत डिफिकल्टी हुई किसमें। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम ममूना, मैं दिखता हूँ, मैंने असल में जो पेंडिंग थे वो तो सारे क्लियर कर दिए, जो दूसरे हैं वो कुछ थोड़े से रहते हैं अभी। चलें, गिग की वीडियो भी लाइव हो गई है, गिग की वीडियो भी आप देख लेना और बना लेना, काफी मतलब कंप्रीहेंसिव सी वीडियो है, तकरीबन 1.5 आवर की। जी मुशरफ नाम से हो रहा है आपका। एक लैपटॉप पे दो अकाउंट बन सकते हैं, फौरी तौर पे नहीं बनाएं, जस्ट इन केस अगर घर में दो लोग हैं और उन्होंने यूज करना है तो चलें वो थोड़ा सा गैप के साथ बना लें, और अगर वो सेम स्किल सेट के नहीं है तो फिर फाइन है, अगर सेम स्किल सेट के हैं तो इशू आ सकता है। लैपटॉप डिफरेंट हो और आईपी सेम हो फिर भी बचत हो जाती है, या अगर आप एक सेम लैपटॉप पर यूज कर रहे हैं तो फिर आपने एक प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी है, ये उस केस में अपने नहीं डुप्लीकेट बना लेने आपने, मतलब अगर कोई भी वैसे ही घर में है जिसने यूज करना है तो ब्राउजर चेंज रखना है, एक ब्राउजर में एक यूज करे दूसरे ब्राउजर में दूसरा यूज करे। जी मैंने पिक्चर वीडियो एम्बेड करना, मैंने आपको ये आर्टिकल कोई एक उठा के उसको प्रॉपर पब्लिश करना बताना है, तो वेबसाइट आपके पास होगी उसमें आप पब्लिश करना बताऊंगा भी और फिर आप अपना करेंगे भी, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तला सब आएगा यार, बस स्लो स्लो अभी तो अकाउंट बनाने पे है ना, अकाउंट बन ले, कुछ गिग्स आप बना लो, फिर मैं क्लाइंट कम्युनिकेशन के ऊपर भी आपको बताऊंगा। मैं इसी तरह इन बिटवीन कभी वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, कभी मैं खुद लाइव लेक्चर में बताता रहूंगा, तो इंशाल्लाह चीजें आती रहेंगी। नहीं, फाइवर अकाउंट एंड गिग मेकिंग वाली वीडियो डिलीट नहीं होगी, ये पड़ी रहेगी, मेरी अपलोडेड वीडियो जो है ना वो डिलीट नहीं होगी। आप 7 तक बना सकते हैं माहिन, 7 तक बनाई जा सकती है, तो आप 2-3 बनाए। मैं अभी अभी मैं आपको चार गिग्स तो कम से कम मैं आप लोगों को गिनवा दूंगा जो आप बना सकते हैं, ये थोड़े से लोग आ लें, सारे मैक्सिमम जब हो जाएंगे तो मैं बताऊंगा, आइडेंटिफाई करूंगा क्या क्या बनाया जा सकता है। रीडिबिलिटी स्कोर ये है जी कि हर तरह का बंदा उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसमें जो वोकेबलरी का यूज है, ट्रांजिशंस हैं,
आपने किस तरह का आर्टिकल लिखा है कि वो सिर्फ नेटिव ऑडियंस को ही समझ आएगा बल्कि या सबको समझ आएगा, जो लोग उसे पढ़ेगा पढ़ सकते हैं, एशियन पढ़ रहा है, जो मर्जी पढ़ रहा है, तो वो थोड़ा वो उस एंगल से रीडेबिलिटी, और वो जो फिर हमने वर्डिंग की बात की, सेंटेंसेस की बात की, वो भी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कि जो यूजर है ना उसको पढ़ने में इजी हो, वो समझ भी आ रही हो। और जी वो ही कर लें, उससे किया तो वो कर लें, कोई इशू नहीं है जी। कभी अगर यूज करना पड़ जाए किसी डिफरेंट आईपी से तो यूज किया जा सकता है फाइवर, लेकिन जो भी प्लेटफॉर्म आपका है, लेकिन ये है कि कोशिश करें किसी पब्लिक आईपी पे ओपन ना करें। यूनिवर्सिटीज के आईपीज होते हैं, पब्लिक प्लेसेस के आईपीज होते हैं, उसमें ये है कि शायद और लोग भी यूज कर रहे हो जिन्होंने वो सेम अकाउंट्स यूज किए हों उसी एक आईपी के ऊपर, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। डिस्क्रिप्शन में सैरिश मैंने भी आपको कुछ लिख के बताया, और मैंने उसमें ये भी बताया कि किस तरह से फाइंड करते हैं कि आप दूसरे लोग जो हैं जो ऑलरेडी सेम फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, आप वो सर्च बॉक्स में जाएं, वहां जाके लिखें आप अपना स्किल, मेन स्किल सेट जो है, तो उसके रिलेटेड जो गिग्स आएंगी उनमें यूजर नेम आ रहा होगा, यूजर नेम पे क्लिक करें और जो लोग सेम सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उनके जो डिस्क्रिप्शन है, उनके अबाउट सेक्शन है, उसको एक्सप्लोर करें, उसको देखें, आपको आइडिया मिलेगा, और फिर आप उसको अपनी वर्डिंग में बेटर सा बना के लिख लें। काश्यप जितना ज्यादा है उतना बेहतर है। अगर ग्रामरली की बात करें 90+ अच्छा कंसिडर होता है, और जो वो जो सिंपल ग्रामर के स्पेलिंग के एरर्स हैं बस वो फिक्स करें तो 90+ तो आपका हो ही जाता है, और बाकी कुछ जो है वो जो प्रीमियम में शो करवा रहा होता है वो ना भी हो तो कोई नहीं चलेगा, वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो लाजमी होनी चाहिए, उससे आपकी एसक्यू के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं आएगा जी। बैंक अकाउंट अभी नहीं, आप जब अर्निंग स्टार्ट करेंगे इनशाला तो अर्निंग पहले आपके अकाउंट में आना स्टार्ट होगी, आपके फाइवर अकाउंट में, आपके अपवर्क अकाउंट में, आपके फ्रीलांसर अकाउंट की में अर्निंग आएगी और वहीं पे रहेगी। उसको फिर विदड्रॉ करवाने के लिए आपको अकाउंट्स की जरूरत होगी, बैंक अकाउंट की, तो फिर आप बनवा सकते हैं, तो फौरी तौर पर इमिजिएटली बनवाने की जरूरत नहीं है। वालेकुम असलाम, मेरा नाम शो हो रहा है, मैं काफी दफा पूछ रहा, आप आंसर नहीं करते प्लीज, सॉरी जी, मुझे नहीं पता चला आपने पूछा है। अच्छा नाम आपका शो नहीं हो रहा, फेसबुक यूजर आ रहा है, आपने क्या करना है, स्ट्रीम यार्ड .com/facebook पे क्लिक करें, वो आपसे कहेगा, परमिशन मांगेगा, स्ट्रीम यार्ड वॉन्ट टू सी योर नेम, उसको अलाउ कर दें, मेरे पास आपका नाम आ जाएगा। कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएं, ये मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, मैं इसका आंसर करता हूँ, आई थिंक एक एक ही होगा, दो से अकाउंट जनरेट नहीं, क्या पूछा हुआ था, एक ही होगा, दो से अकाउंट जनरेट नहीं होगा, ये क्या क्वेश्चन था, ये मैं मिस कर गया हूँ, उसका बैकग्राउंड क्या है। फेसबुक से अगर किया है उसकी बात करें तो वही रहेगा। अच्छा ये बात कीजिए कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएं, तो मेरी बात सुनो, वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है, आपका अकाउंट फाइवर का बन गया, आपकी गिग बन गई, आपको एक मैसेज आ गया, आप पजल हो गए जी, पता नहीं क्या होगा जी, मुझे तो मैसेज मुझे आ रहे होते हैं, सब मैसेज आ गए, ठीक है, अगर मैं जाग रहा हूँ तो मैं रिप्लाई करूंगा, आ गया तो क्या हुआ, इजी हो गए, टेक इट इजी, आराम से बात करें। अब देखें मैसेज आ गया, टेंशन आ गई जी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, देखिए सामने एक इंसान बैठा हुआ है, कोई वहां पे कोई खलाई मखलूक नहीं बैठी हुई, एक आम इंसान है, एक आम पर्सन बैठा हुआ है, मैं जिस तरह से जॉब पोस्ट कर देता हूँ फाइबर पे और आप, या मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, तो मैं एक इंसान ही हूं ना, तो आपने मुझसे बात करनी है और मुझे बताना है कि वो काम आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। आप पजल हो रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, मेरी बात सुने, अगर आप पजल कंफ्यूज होकर बात करेंगे या आप बात नहीं करेंगे, आपको डर लग रहा होगा क्या बात करूं मैं, तो जॉब नहीं मिलेगी, यही होगा ना, जॉब नहीं मिलेगी, बस ये सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है, बस जॉब नहीं मिलेगी और क्या होगा। तो जब बात करेंगे आप और अच्छे तरीके से अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखेंगे कि फिर क्या एक इंसान ही है ना, बात करता हूँ ठीक है, अगर उसको समझ आती है, मेरे मेरे मुकद्दर में ये रिजक हुआ तो मुझे मिल जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, मुझे जो आता है मैं इसको एक्सप्लेन करूं, मैं इसको बताऊं अपने अपनी तरफ से बेस्ट वे से इसको एक्सप्लेन करूं, आगे वो उसको समझ आ गई ठीक है, ना ही तो ना सही। तो बजाय इसके कम्युनिकेशन किए बगैर या स्टार्ट में पजल हो के आप लोग उस जॉब को
मतलब नाम गेन कर सकें। ये अच्छा नहीं है कि आप किसी तरह से टूटा फूटा जिस तरह से भी उससे बात करें, और बात करने से आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, आपको बूस्ट भी मिलेगा कि मैंने क्लाइंट से बात कर ली है। और अगर जॉब मिल गई तो फिर तो आपके कॉन्फिडेंस का लेवल कहीं और ही चला जाएगा कि मैंने बात करके जॉब ले ली है। तो सेकेंड टाइम जब कोई क्लाइंट आएगा, जब कोई मैसेज आएगा, तो आप उसमें यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। तो ये है कि सबसे बुरे से बुरा क्या हो सकता है वो माइंड में रखा करें। बुरे से बुरा ये हो सकता है कि जॉब नहीं मिलेगी, तो चलो फिर बात करके ना मिले तो फिर सही है, कुछ हमने कोशिश तो की, कुछ एफर्ट तो की। ठीक है, अक्सर टाइम ऐसा होगा कि अगर किसी क्लाइंट ने आपको कभी कॉल बोल दिया, क्योंकि मैसेजेस भी चलते हैं, कॉल भी, कोई क्लाइंट कहता है कॉल करें, कॉल पे बात करें, अब हेजिटेशन होगी, इंग्लिश में बात होगी, पता नहीं क्या होगा, आती भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पता नहीं वो किस तरह बात होगी, वो बंदा कन्फ्यूज हो जाता है, मैंने नहीं बात करनी, छोड़ो परे, कॉल भी नहीं करनी, मैसेज करता है तो ठीक है वरना नहीं करनी, तो भाई क्या होगा, जॉब नहीं मिलेगी। तो कॉल करके देख लो उसने कौन सा आगे मीडिया में पब्लिश करवा देना कि भाई इस बंदे से मैंने बात की थी, इसको इंग्लिश में बात करना नहीं आई, या ये कंफ्यूज हो गया था, ये कुछ इस तरह का हो गया था। बुरे से बुरा क्या हो सकता है, जब तक आपको जॉब मिलती नहीं है ना, जॉब अवार्ड नहीं होती, तब तक आपको कोई टेंशन नहीं है, तब तक सिर्फ कन्वर्सेशन हो सकती है और कन्वर्सेशन एंड हो जाएगी। जब जॉब मिल जाती है तो फिर टेंशन होती है कि फीडबैक बुरा ना आ जाए। ठीक है, तो जॉब मिलती है कन्वर्सेशन के बाद, कन्वर्सेशन में कॉन्फिडेंस लाए और बात करें, और उसके बाद आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर वो जॉब ठीक ना हुई तो वो आपको फीडबैक बुरा दे देगा, वहां प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहां पे फिर मेरी जो सपोर्ट है वो भी आप लोगों के साथ होगी, लेकिन ये कि कन्वर्सेशन से घबराना नहीं है। आम बंदा बैठा हुआ सामने, समझे उसको कुछ नहीं आता, वो उसको बस वो यहाँ से घूमते फिरते आया, और उसको बस पता है कि एक चीज है, जितना आपको आता है इतना नॉलेज मोस्टली लोगों के पास है ही नहीं, इसलिए तो आपके पास आए हैं। तो ये कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करके कि भाई मुझे ज्यादा आता है, इसको तो पता ही नहीं है, मैंने इसको गाइड करना है, आप बात करें, बात करके कुछ चीज ना मिले तो और बात है, बात किए बगैर आपने जॉब जो है ना उसको जाने नहीं देना। कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आपको सपोर्ट से बात करनी पड़ेगी। अटेंडेंस मार्क कर लीजिए, 88 है, मैं कह रहा हूँ 100 हो ही जाए, पता नहीं आप लेट ही होते जाते हैं डेली, 12 मिनट हो गए हैं और अभी तक 87 लोग आए हैं। मेरा अकाउंट ओके ओके, अगर फाइवर अकाउंट ब्रेन, बनाए लेकिन हम अभी किसी स्किल में एक्सपर्ट नहीं है, फिर हम अपनी स्किल में क्या लिखे। अगर तो आपको लगता है नहीं आपको कुछ पता अभी भी, तो फिर आप मेरे साथ चलेंगे, जो मैं सिखाऊंगा वो आपने करना है, तो फिर डिजिटल मार्केटिंग का अकाउंट बनेगा। सर मेरे पास दो स्किल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सेट्रा। नहीं जी, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग एक प्रोफाइल के अंदर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप देखें उसमें से कौन किस चीज में आप ज्यादा अच्छे हैं, आप उस साइड पे जाएं। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा गूगल, उनका फाइवर का एल्गोरिदम कि ये इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, ये डिजाइनर भी है, और ये मार्केटर भी है, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई ज्यादा हो जाता है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट फील्ड्स है ना, डिफरेंट है। अब अकाउंट्स और आप डिजाइनिंग लिख दो तो ये चीज नहीं होगी, बेहतर है एक में बनाएं। हर प्लेटफॉर्म का अकाउंट बनाना बताएंगे ना आप जी, इसके बाद अपवर्क बताऊंगा, अपवर्क और फाइवर के बाद मेरा ख्याल है बाकी तो आप खुद ही बना जाओगे, फिर भी जरूरत हुई तो उस पर भी बात करेंगे। अटेंडेंस प्लीज प्लीज अटेंडेंस मार्क कर लें सब लोग। सपोज प्रोजेक्ट मिल गया, अब पहला रिव्यू कर देंगे वर्क बिफोर सबमिशन, नहीं वो काम मिलेगा उसके बाद काम करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा, वो चेक करेगा और उसके बाद रिव्यू देगा। अच्छा मुझे कह रहे हैं, जी जी मैं तो मोस्ट वेलकम, कोई टेंशन नहीं है। आप मेरा अकाउंट पहले था फाइबर पे, मैंने कल न्यू बनाया है जैसे आपने गाइड किया था, ईमेल और यूजर नेम, यार उसी को यूज कर लेना था नासिर, आपको नए बनाने की जरूरत ही नहीं थी। CTR क्लिक थ्रू रेट होता है जी, यूएस सिग्नल्स, सेमरश, सेमरश टूल है आपका, कहाँ से ढूंढ ढूंढ के आते हो आसिम। आई हैव क्वेश्चन दैट आई एम ऑल्सो डूइंग अनदर कोर्स वी ऑफ अमेजोन एफ पी एंड आई लाइक दैट कोर्स टू एंड वॉन्ट टू वर्क ऑन बी ए, फ्यूचर कैन आई डू जॉब ऑफ बी एंड एस सी ऑन और एस एस एम विद जी, कर सकते हैं CTR, क्योंकि फ्यूचर असिस्टेंट जो है ना वो बड़ा ब्रॉड फील्ड है, उसके अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है, तो हर एक चीज के साथ रिलेट हो जाता है। सर मुझे एमएस वर्ड पावर पॉइंट भी आता है और मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करना चाहता हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों मेंशन कर दूँ, एमएस वर्ड वगैरह ना लिखें, पावर पॉइंट भी ना लिखें, प्रेजेंटेशन की बात कर सकते हैं, तो ये कि टूल्स की बजाय स्किल के ऊपर फोकस करें। दोनों नेम सेम होने चाहिए, यूजर और दूसरा, नहीं यूजर तो आपको सेम नहीं भी मिल सकता ना, तो मैंने आपको दो तीन मेथड बताए, चार मेथड बताए थे यूजर नेम रखने के, बस उनको फॉलो करें जी। डुप्लीकेट इशू आएगा ना इफ्तिखार, आप अपने दो अकाउंट नहीं बना सकते, सेम बंदा दो अकाउंट डुप्लीकेट नहीं बना सकता।
घर के जेनुअन कोई पर्सन है उसके नाम से बन सकता है, जो कल को वेरिफिकेशन करनी हो तो वेरीफाई करवाया जा सके। डिस्क्रिप्शन में डिजिटल मार्केटिंग लिखा है और गिग्स में अब मैं पावर पॉइंट डाटा एंट्री विजुअल असिस्टेंट लिख सकते हैं, कर लें स्टार्ट में, कोई इशू नहीं है। ये हमारी स्टार्टिंग कुछ चीज समझ नहीं आ रही, कोई मेरा टीचिंग स्टाइल नहीं अच्छा लग रहा, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताएं। हम लोग 120-130 से स्टार्ट ले रहे हैं और अभी आज 15-16 मिनट के बाद भी 89 लोग बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। परसों जो जब मैंने रिकैप किया तब भी हमारे 120 लोग के करीब आए हैं, उस दिन थोड़े लोग डाउन हुए हैं और उसके बाद से फिर मैं कल भी देख रहा था, कल भी 106-107 तक गए हैं, 10-15 लोग गायब थे और आज ज्यादा गायब हो गए हैं। तो क्या समझ नहीं आ रहा, चीजें टफ लग रही हैं, क्या रीजन क्या है जी? शायद आपका नाम शोर है तो मुझे वो रीजन बताएं, मेरे से शेयर किया करें। नहीं जी, जूम पे क्लासेस ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती, जूम ट्राई किया हुआ है हम लोगों ने, यहाँ पे तो आपके पास अवेलेबल है, कल तक वहां अवेलेबल नहीं होगा फिर। अब ठीक है, बस टफ हो रहा है अभी, टफ स्टार्ट क्या किया है, सिर्फ कंटेंट ही तो किया हम लोगों ने, इसके अलावा तो अभी कुछ टफ वाला काम आया ही नहीं है। जी डिफरेंट पे भी हो तो कर सकते हैं, बहरहाल मुझे बताएं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को कोई इशू आ रहा है तो प्लीज डू शेयर विद मी। लेकिन ये कि अटेंडेंस डाउन नहीं होनी चाहिए, अगर अटेंडेंस डाउन होगी मुझे लगेगा शायद मैं नहीं सही करवा रहा, आप लोगों को नहीं समझ आ रही मेरे तरीके से, तो आप मुझे बताएं, मैं अब कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा बेटर तरीके से बात कर सकूं, ज्यादा बेटर तरीके से कन्वे कर सकूं। और दूसरा, फ्री की चीज ना समझें प्लीज, आप लोग किसी और की जगह बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा कुछ करें, ख्याल करें ना, ऐसा करें, मतलब आप लोग आया करें क्लास में, नहीं समझ आती तो बताएं मुझे, मैं आई एम ओपन टू टेक एनी काइंड ऑफ फीडबैक, ठीक है? तो लेकिन ये फिर अटेंडेंस जो डाउन होती है थोड़ा सा डिमोटिवेट करती है, एज अ ट्रेनर बंदा डिमोटिवेट होता है यार कि पता नहीं शायद कोई इशू है, कोई चीज है, कोई प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से लोग आ नहीं रहे, स्टार्ट में आ रहे हैं फिर गायब हो गए हैं, तो थोड़ा सा मुझसे शेयर करें अगर कोई इशू है आपको। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, मैं आपको सारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, अटेंडेंस प्लीज मार्क कर लीजिएगा जो जो लोग आ गए हुए। देखिए 100 का नंबर वैसा भी अच्छा लगता है, 100 का, 96 पे आ गया काम, तो 100 पे जब आएगा और ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा जो लोग पूछ रहे हैं जी राइटिंग के अलावा हम क्या कर सकते हैं, यार पोगो स्टिकिंग वगैरह पूछी जा रहे हो, क्यों आप बाकियों को कंफ्यूज कर रहे हो, मेरे से ऐसे करो अगर आपने लाजमी अभी पूछना है तो मुझसे मैसेज कर दो, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा कि पोगो स्टिकिंग क्या है, सीटीआर क्या है, बाउंस रेट क्या है, डीवल टाइम क्या है, सब कुछ बता दूंगा। अच्छा
तो स्क्रीन शेयर आप लोगों के साथ हो गई है, और जो जो स्किल्स के ऊपर आप अभी गिग्स बना सकते हैं वो मैं आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा लिख के एक बार बता देता हूँ, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो जो चीज़ें आप लोग बना सकते हैं, जो गिग्स अभी फौरी तौर पे बनाई जा सकती हैं, मेरा ख्याल है जो आप लोग के लिए टफ नहीं होगा उसमें, एक तो हमने राइटिंग किया ना। अच्छा, राइटिंग जो लोग करने जा रहे हैं, राइटिंग के अंदर बहुत सारी राइटिंग है। राइटिंग के अंदर देखो ब्लॉग राइटिंग है, ठीक है, इसके अंदर आपकी क्रिएटिव राइटिंग है, इसके अंदर आपकी टेक्निकल राइटिंग है, ठीक है, इसके अंदर आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस जो ई कॉमर्स स्टोर के लिए होती हैं, डिस्क्रिप्शन राइटिंग आ सकता है आपका। उसके बाद वेब कंटेंट, तो वेब कंटेंट अगर सर्विस पेजेस वगैरह के साथ रिलेट करें, तो इन पांचों के ऊपर 5 गिग्स बन सकती हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि एक के अंदर ये सब मिक्स कर जाओगे, इन 5 के ऊपर 5 बन सकती हैं, क्योंकि जिसको ब्लॉग लिखो राइटिंग करवानी है वो ब्लॉग राइटिंग लिख के फाइवर में सर्च करता है, जिसको क्रिएटिव करवानी है वो क्रिएटिव का वर्ड यूज करके करता है, जिसने टेक्निकल राइटिंग करवानी है वो टेक्निकल राइटिंग या उस फील्ड का नाम लिख के करेगा, अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स के रिलेटेड है तो उनके नाम से भी हो सकती है। और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग जो आपके ई कॉम स्टोर्स वगैरह है, फिर वेब कंटेंट राइटिंग आपके सर्विस पेजेस वगैरह इसमें आ जाते हैं। और इसमें है क्या जी, कि मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च करना बताया, सब कुछ बताया, उसको फॉलो करना है और आपने ये काम करना है। तो इनमें से हर एक के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग हो सकती है, जो फील्ड के रिलेटेड है, बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, किसी और फील्ड के, आप लोग उसके साथ ही वर्डिंग जो है ना सर्च बॉक्स में सर्च करके, फाइबर का जो सर्च बॉक्स है उसमें सर्च करके देख सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है। देखें वहां पे स्कोप है, वहां पे सर्विस सेल हो रही है, अगर हो रही है तो गो फॉर इट। अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ स्विच टू बाइंग में, और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, अगर आप लोग केमिस्ट्री ये देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री केमिस्ट्री ट्यूटर, केमिकल इंजीनियरिंग, अगर कोई इसके रिलेटेड कोई भी राइटिंग करना चाहता है तो अपनी फील्ड के रिलेटेड वर्ड वर्ड यहाँ सर्च करें। 258 सर्विसेज टोटल हैं सिर्फ इसमें, बहुत थोड़ा सा कंपटीशन है, सिर्फ 258 लोगों के साथ कम्पीट करना है। और ये देख लें कि इसमें 23, 37, 16, 17, 9, 2, 4 के आपको कुछ ना कुछ सेल्स भी नजर आ रही है, तो यहाँ पर रैंक होना ही बड़ा ईजी है। और ये वो पर्सन कर सकता है जो केमिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। ये देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डिफरेंट फील्ड्स के रिलेटेड यहाँ पे वर्ड्स आ रहे हैं, तो आप अपने अपने फील्ड के रिलेटेड यहाँ लिखें और सर्च करें कि कितनी उसके अंदर सर्विसेज बनी हुई है। 284 जस्ट, और इसमें सेल्स भी 23, 33, 45, 9, 4, 2, 4, 5, थोड़ी कम है, बट ये स्पेसिफिक टू फील्ड है ना, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। और कंपटीशन कुछ भी नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये कि जब आप लोगों ने अकाउंट बना लेने हैं तो उसके बाद फाइबर की ऐप अपने मोबाइल में करके उसको लॉग इन रखना है आप लोगों ने लाजमी, ठीक है। और जो आपका सबसे छोटे वाला पैकेज है वो आपने $5 में रखना है। क्यों रखना है, मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि लोग जो है ना बजट वाइज सर्च कर रहे होते हैं, फिल्टर में लोग डिलीवरी टाइम वाइज सर्च कर रहे होते हैं, तो अगर आपका 1 डे वाला होगा तो आप जरा उस सर्च के अंदर रह सकते हो। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन उस वीडियो में किया हुआ है, तो इसको देखें। ऑनलाइन रहेंगे तो ऑनलाइन का फिल्टर यूज किया जा सकता है। 284 सर्विसेज है, मैं सिर्फ ऑनलाइन का फिल्टर ही अगर चेक कर दूं यहाँ पे, तो इन 284 में से सिर्फ 39 लोग ऑनलाइन है, और अगर आप ऑनलाइन होंगे तो आप इन 39 लोगों के अंदर हैं। और अगर आपका मिनिमम जो बजट है वो अगर 5 से कोई छोटा मोटा बिल्कुल छोटी सी चीज दे दें जिसपे आपको ज्यादा टाइम ना लगता हो, बाकी तो कन्वर्सेशन में आप कन्वर्ट कर सकते हो बंदे को। तो आप यहाँ पे अगर कहते हो जी मैक्सिमम बजट जो है वो $5 वाला, जो सॉरी मिनिमम 5 वाला आपको चाहिए, तो अगर अंडर $5 तो अगर वो बजट लगाएंगे तो और कम हो जाता है। जिस तरह 41 लोग ऑनलाइन है, और अगर यहाँ पे बजट आप कहें जी $5 बजट वाले लोग मुझे चाहिए, अच्छा ये मिनिमम हो गया। और उसके बाद डिलीवरी टाइम की अगर बात करें, डिलीवरी टाइम आप कहें जी मुझे डिलीवरी टाइम चाहिए एक्सप्रेस डिलीवरी विद इन 24 आवर्स, जो एक दिन के अंदर डिलीवर करते हैं वो लोग चाहिए। तो इस तरह का जब क्लाइंट को फिल्टर अप्लाई करता है ना, तो अगर आपने ये सारी चीजें अडॉप्ट की हुई है तो आपका जो ये जो गिग है ना, ये आपके जो फिल्टर के बाद कम होती जाएंगी उसके अंदर भी आपका नाम रहेगा। तो ये 41 शो हो रहा है क्योंकि इनमें से ये $5 वाले भी हैं, और 24 आवर्स में तकरीबन सारे ये शायद एक्सप्रेस डिलीवरी दे रहे हैं, इस वजह से अभी तक यहाँ पे हैं। अगर ये कम भी होते तो आपने अभी भी इसके अंदर होना था, और आपके चांसेस होने थे कि आपको जॉब मिल सके। तो जो भी माइंड में आए आपको कि इसके रिलेटेड कोई चीज बनानी चाहिए, आप यहाँ सर्च करें, और जो नीचे आपको रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं उसको फॉलो किया करें, और फिर बाकी मेरी वीडियो के अंदर हर चीज एक्सप्लेन की गई है।
और अब आप और कौन कौन सी गिग बना सकते हैं जो स्टार्टिंग में भी बन सकती है? ब्लॉग राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग, वेब कंटेंट राइटिंग, इट्स अप टू यू। आप कौन सी बनाना चाहते हैं, कौन सी नहीं बनाना चाहते। तो ये हो गया, उसके बाद आप लोग बना सकते हैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन की, पावर पॉइंट में कहें प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन जो है इसके बारे में बनाया जा सकता है, ये भी आप सर्च करें फाइवर में, इसके रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड करें और फिर गिग बनाएं, जैसे मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रेजेंटेशन पे बना सकते हैं। फिर ट्रांसक्रिप्शन, हर बैच में स्टार्टिंग में इसमें लाजमी पावर पॉइंट में और ट्रांसक्रिप्शन वगैरह में जॉब्स मिलती हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ऑडियो या वीडियो को सुनना है और टेक्स्ट में लिखना है, बस वर्ड बाय वर्ड आपने लिखना है। तो ये बड़ा इजी सा काम है, आपके पास टूल्स भी अवेलेबल है, मैंने ऑडासिटी भी बताया था जिससे स्पीड वगैरह स्लो हो जाती है। तो प्रेजेंटेशंस बनाएं, ट्रांसक्रिप्शन बनाएं, और इसके अलावा ये राइटिंग के रिलेटेड ये सब कुछ हो गया। फिर वर्चुअल असिस्टेंट, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं, वी आई विल वर्क फॉर यू फॉर 2 आवर्स, फॉर 1 आवर, फॉर 3 आवर्स, फॉर 4 आवर्स। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट उठा के सिर्फ फाइवर में सर्च करोगे तो नीचे बहुत सारी गिग्स नजर आ जाएंगी, देखें किस एंगल से बनी हुई है, किस तरह की गिग ज्यादा सेल हो रही है, और उस तरह के कीवर्ड लेके उसके ऊपर गिग बनाएं। तो वर्चुअल असिस्टेंट की बनाई जा सकती है। डाटा एंट्री को ट्राई किया जा सकता है, हालांकि मैं इसका कोई बड़ा फैन नहीं हूँ, डाटा एंट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, बट आप डाटा एंट्री में भी अगर सर्च करें तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये वो डाटा एंट्री हो गया, वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, राइटिंग की जॉब्स हो गई। तो अगर ये इनको मैं करूँ तो मेरी तो 7 ही पूरी हो जाती है। तो अगर आप मैक्सिमम अपनी शॉप के ऊपर, अगर आपने शॉप बनाई है ना और शॉप के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखी हुई है, कोई अगर कस्टमर आ गया ना शॉप के ऊपर, कोई भी चीज अच्छी लगी तो उसको बाय कर लेगा, एक अच्छी ना लगी दूसरी लग जाएगी, दूसरी ना लगी तीसरी लग जाएगी, कुछ ना कुछ बाय कर लेगा। जब शॉप पे चीज ही एक पड़ी हुई है तो फिर वो पर्सन आया है, कस्टमर आया है, तो एक ही चीज है, उसने कोई चॉइस नहीं है, उसने उसी को चूज करना है, दिल किया तो, नहीं तो नहीं करना। तो इसलिए मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी को यूज करें, मैक्सिमम गिग्स बनाएं, और एक भी अगर रैंक हो गई, एक भी अगर आपको ऑर्डर उठाना शुरू कर दिया है गिग ने, तो आपको बाकियों की जरूरत नहीं है 6 की, एक को आप मैनेज कर लें तो बड़ी बात है, ठीक है। एक के ऊपर इतना ऑर्डर का फ्लो होता है, तो इसलिए आप राइटिंग जो मैंने किया है इसके रिलेटेड बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन, ट्रांसक्रिप्शन, वर्चुअल असिस्टेंट, डाटा एंट्री, प्रूफ रीडिंग, ये राइटिंग के रिलेटेड ही है वो, तो प्रूफ रीडिंग भी यहाँ बन सकती है, जिसमें आपने सिर्फ प्रूफ रीड करना है लिखा लिखाया कंटेंट, ठीक है। तो प्रूफ रीडिंग इसकी तरफ चले जाएं तो ये काम आप कर सकते हैं। तो ये देखें कितनी आपके पास सर्विसेज बन गई जो आप अभी फौरी तौर पे जिसके रिलेटेड गिग्स बना सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको इंशाल्लाह ताला स्टार्ट मिल जाएगा। तो ये चीजें जो है ना, ये आपको बताने का मकसद ये है कि ताकि आप बनाना शुरू करो, अकाउंट आपके पास है तो उसके ऊपर आप ये चीजें करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने लेक्चर पे वापस, और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं एंड पे अब लूंगा। अभी हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ये है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, जो कुछ मैं बोल रहा हूं इसको अगर आप वर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दो, आप रिटन फॉर्म में ले आओ वर्ड के अंदर, तो ये ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। तो इसमें मैंने टूल बताया है, जो वैसे तो वीएलसी प्लेयर भी यूज कर लो, विंडो मीडिया प्लेयर भी यूज कर लो आप, उसके अंदर भी जो वॉइस है ना उसको स्लो डाउन करने का ऑप्शन होता है, -0.5 पे, -1 पे आप लेके जा सकते हो कि वो स्लो स्लो वॉइस आपकी, अगर कोई फ्लो में बोल रहा है इंग्लिश में तो वो जरा स्लो उसकी वॉइस हो जाए ताकि आपको क्लैरिटी आए वर्ड्स की। और दूसरा मैंने ये टूल आप लोगों को बताया था, ये भी बेस्ट टूल है, अगर कोई डिस्टॉर्शन आ रही है, किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है, तो फिर ये ऑडासिटी जो है आप इसको यूज करें, बहुत बेस्ट टूल है। इसमें हर तरह की डिस्टॉर्शन, हर तरह के इश्यूज जो हैं वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं, बहुत ब्रॉड जो है ना वो ये टूल है। तो ऑडासिटी जो है आप इसको यूज कर सकते हैं, और इसके हर फंक्शन के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, हर फंक्शन के। तो अगर आपको डिस्टॉर्शन का इशू आ रहा है तो कैसे रिमूव करना है, आपको उसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा, जस्ट इन केस अगर कोई डिस्टॉर्शन आती है तो कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है कहीं पे, वॉइस बहुत स्लो है, उसको उसका वॉल्यूम अप करना है आपने, वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक टूल है जो मतलब मल्टीपल फीचर्स के साथ आपके पास आता है, और ऑडियो के लिए मतलब दी बेस्ट टूल है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। असल में बाकी तो चीज जो है वो सुनना है और लिखना है, आप उसमें इतने सिखाने वाली बात है नहीं, क्योंकि हमारा जो मतलब माशाल्लाह ग्रेजुएट्स हैं सब लोग, तो लिखना कैसे है सुन के, बैकग्राउंड पे चीज चल रही होगी और सामने आप वर्ड पे लिखते जा रहे होगे, हाँ थोड़ा सा स्लो चला लेना ताकि स्लो स्लो वो बोले और आप स्लो स्लो उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई डिस्टॉर्शन आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो फिर आप ऑडासिटी है और भी टूल्स हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। इवन के ट्रांसक्रिप्शन के लिए कुछ मतलब ऑटो टूल्स भी हैं जो ऑडियो वीडियो की ट्रांसक्रिप्शन को ऑटो कर देते हैं। मैंने यहाँ पर मैं लिखू ना ट्रांसक्रिप्शन,
या ऑडियो टू टेक्स्ट, ऐसे भी हैं ऑडियो टू टेक्स्ट इन मिनट्स, ये देखें, ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर फॉर कन्वर्टिंग ऑडियो टू टेक्स्ट, ठीक है। तो इस किस्म के टूल्स भी हैं, ये आप साइनअप करना पड़ेगा, ये वाला जो है कुछ साइनअप्स के बगैर भी काम करते हैं, कि आप क्या करेंगे, आप ऑडियो या उसमें देंगे उस टूल के अंदर, वो उसको ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, बट उसके अंदर प्रॉब्लम्स होंगी फॉर श्योर। तो फिर आपने क्या करना है, बैक पे ऑडियो चलानी है, फ्रंट पे आपने टेक्स्ट को साथ साथ रीड करते जाना है, जहां पे आपको लगेगा मिस्टेक की हुई है टूल ने, वहां पे आप उसको खुद ठीक कर देंगे। तो ये स्पीड अप करने के लिए, ठीक है। तो आप अपने ऑडियो, जो अपना जो ऑडियो है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे और क्लिक करेंगे, वो सारे ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, ऑडियो टू टेक्स्ट, ठीक है। और होगा क्या कि उसके बाद आपको फिर भी प्रूफ रीड करना पड़ेगा कि कहीं पे वहां कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, कहीं पे कोई वर्डिंग उसने गलत तो नहीं ट्रांसलेट की, क्योंकि वो टूल है, तो वहां जहां प्रॉब्लम होगी उसको आप ठीक कर देंगे। तो ये थोड़ा स्पीड अप करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ऑडियो टू टेक्स्ट, वीडियो टू टेक्स्ट। जी जी कि बनाएंगे, एक बनाएं, कोई इशू नहीं है। सेम तलहा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए सेम एसईओ की गाइड है, बस ये है कि वहां पे हेडर्स बहुत ज्यादा नहीं बनते, वहां पे टेक्स्ट बहुत लंबा नहीं होता, 100-150 वर्ड्स का सारे है, और उसके अंदर फिर आप जो 100-150 में डेंसिटी को रखोगे माइंड में, H1 जो उसका टाइटल है उसमें कीवर्ड आना चाहिए, आपके जो 100-150 वर्ड की आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है एक दो बार उसमें यूज कर दें, फीचर्स में एक दो बार यूज कर लें, बस यही है। जी जी बनाएं गिग, मैंने गिग की वीडियो लगा दी हुई है, गिग बनाएं। टू टाइप्स ऑफ इंटर रिलेटेड हैं तो मसला ही नहीं है, मैं सिर्फ ऑपोजिट की कह रहा हूं वो ना करो। अब ये जो अकाउंट है ना भाई, इसमें आप डिजिटल मार्केटिंग या इस तरह की चीजें लेके आ रहे हो, यहाँ पे मैं अकाउंट्स की सर्विसेज भी ऑफर करना शुरू कर दूं, मैं यहाँ पे कोई इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग की सर्विसेज भी कर दूं, मैं ऑटो कैड की सर्विसेज भी स्टार्ट कर दूं, तो दैट इज नॉट गुड। बहरहाल बाकी जो हमारी फील्ड है वो सारी की सारी इसमें ऐड हो सकती है। नासिर, मैंने एक वीडियो शेयर की है ग्रुप के अंदर, वीडियो क्रिएशन के ऊपर, 1.5 घंटे की वीडियो है, आप उसको देख लें, उसमें वीडियो आपको भी बनाना आ जाएगी। एग्रीकल्चर के रिलेटेड एक्सप्लेन करने बन सकती है, सिंपल फाइवर ओपन करो, वहां ऊपर एग्रीकल्चर लिखो, सिंपल, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट टिप दे रहा हूं मैं, कोई जरूरत नहीं है कुछ और आपको मुझसे पूछने की, कुछ और करने की, सिंपल आप क्या करें, फाइवर ओपन करें, फाइंड सर्विसेज जो आर बॉक्स आ रहा है इस पे आए और लिखें एग्रीकल्चर, ये देखें एग्रीकल्चर लोगो है, एक एक एग्रीकल्चर अकेला लिखा हुआ आ रहा है, मैं एग्रीकल्चर को क्लिक कर देता हूँ। 471 गिग्स है, मैं देखता हूँ उसमें एग्रीकल्चर में क्या ऑफर किया जा रहा है, ये लोगो कह रहा है, ये यूनिक रहा है, ये लोगो बना के दे रहा है, आई विल राइट कंटेंट ऑन प्रिसियन एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट, आई विल गिव सोल्यूशंस टू एनी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम, तो कुछ नजर आ रहा है मुझे। अगर आपको ऐसा नजर आया कि गिग्स बहुत थोड़ी बनी है और वहां पे आपको सेल्स वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा, बस गिग्स बनी है सेल हो ही नहीं रही है, एक दुका सेल्स है, तो फिर आपने वहां गिग नहीं बनानी फिर, क्योंकि वहां पे आपका स्कोप नहीं है, वहां पे क्लाइंट नहीं है। जहां आपको कुछ नजर आए, पोटेंशियल नजर आ रहा है, सेल्स नजर आ रही है, गिग्स बनी नहीं है, सेल्स है, स्टार्ट कर दो। जैसे यहाँ तो लोगो वगैरह बीच में आ गया ना, उसको छोड़ दो, आप एग्रीकल्चर की स्पेसिफिक टर्म यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, जो आप सर्विस देना चाह रहे हैं और उसके रिलेटेड देखें। जैसे ये फार्मिंग आ रहा है, तो फार्मिंग पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो 808 जो है ना बनी हुई है, लेकिन इसमें ज्यादातर वो लोगो कह रहे हैं, तो फार्मिंग के अंदर आर्टिकल राइटिंग आप करना चाह रहे हो, फॉर्मिंग के अंदर कोई टिप्स शेयर करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो उसको यहाँ साथ ऐड कर दो, फॉर्मिंग राइटिंग या फॉर्मिंग जो भी करना चाह रहे हैं तो उसको करें, तो ये होगा कि उसकी स्पेसिफिक गिग्स आ जाएंगी, फिर देखिए सेल्स हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो दैट इज गुड, आप उसमें गिग बना लें, अगर नहीं हो रही तो कोई फायदा नहीं बनाने का, क्योंकि फाइवर पे उसका कस्टमर नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक टिप है जो आप लोग यूज कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का भी आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से आप ऑडासिटी को यूज कर सकते हैं, किस तरह से ऑडियो टू टेक्स्ट या वीडियो टू टेक्स्ट ट्रांसफर करके फिर उसको भी बैक पे ऑडियो वीडियो चलाएं और उसको मैच करते जाएं कि सारी ट्रांसलेशन ठीक हुई है या नहीं हुई, और जहां प्रॉब्लम होगा उसको ठीक करना है आपने। ब्लॉग राइटिंग में डिपेंड करता है क्लाइंट क्या करता है, ऑन एवरेज जो रेट चल रहा है $5 पर फॉर 500 वर्ड्स, अगर आप अच्छे राइटर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, तो $10 फॉर 500 वर्ड्स भी आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्च करें, देखें कि क्या सेल हो रही है, क्या रेट है, क्या प्राइसिंग है, क्या डिस्क्रिप्शन है, हर चीज को एक्सप्लोर किया करें और उसके एंगल से सोचें कि मैं इससे बेटर क्या बना सकता हूँ। मैंने टाइटल एग्जाम्पल दी है कि आप अगर राइटिंग कर रहे हो, अगर आप राइटिंग करते हुए लिखते हो
आई विल राइट अ ब्लॉग फॉर यू, आई विल राइट एन आर्टिकल फॉर यू, बस बात खत्म हो गई। आई विल राइट वेब कंटेंट फॉर यू, आपकी बात खत्म हो गई। एक तरीका का ये होता है, एक ये होता है कि आई विल राइट वेब कंटेंट दैट विल रैंक ऑन गूगल। तो ये आपने अगली बात कर दी है जो उसके माइंड में थी उस बंदे की, ठीक है। आई विल राइट वेब कंटेंट दैट विल रैंक ऑन गूगल, आई विल राइट ब्लॉग कंटेंट या ब्लॉग, आई विल डू ब्लॉग राइटिंग दैट विल रैंक ऑन गूगल। तो आपने एक लेवल नेक्स्ट बात कर दी है, क्योंकि जो बंदा ब्लॉग राइटिंग वेब कंटेंट राइटिंग करवाना आ रहा है, उसने पब्लिश करना है, उसने रैंक करवाने की ट्राई करनी है। आप उसको वो बात उसके कहे बगैर उसको कह रहे हो, तो वो जैसे ही वो टाइटल पढ़ेंगे ना लोग कि ये चाहिए लिखेगा जो रैंक भी होगा, तो मुझे यही तो चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से वर्डिंग में प्ले कर सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं आई विल राइट अ ब्लॉग विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स तो मिनिमम टाइम है ना, एक दिन से पहले क्लाइंट फाइवर पे, और कोई चीज नहीं है कि एक दिन से पहले पहले डिलीवर किया जा सके, मतलब ऑप्शन दी जा सके। 24 आवर्स आपको मिलते ही मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं आई विल राइट अ ब्लॉग आर्टिकल या आई विल राइट अ ब्लॉग फॉर यू विद इन 10 आवर्स, ठीक है। तो वो लोगों होगा अगर जिसको जल्दी चाहिए होगा कि ये 10 घंटे में दे रहा है, इससे बात करूं मैं। तो इस तरह से करके फिर आप टाइटल्स वगैरह के साथ भी प्ले कर सकते हैं जी। एसईओ और वेब डेवलपमेंट का कुछ पार्ट हो सकता है, जैसे स्पीड फिक्सेस वगैरह हैं वो आ सकती हैं, क्योंकि एसईओ के अंदर उसकी एप्लीकेशन है। जी बिल्कुल बना सकते हैं सदफ, बना सकते हैं। टेस्ट एंड पे बात होगी, जब आप एंड पे पहुंचोगे ना, बिल्कुल लाइव करने लगोगे। कुछ लोगों के पास टेस्ट आएगा, कुछ नहीं आएगा। जिसके पास टेस्ट आएगा उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जिसके पास टेस्ट नहीं आएगा वो वैसे ही उसकी गिग लाइव हो जाएगी। गिग आपकी लाइव होनी चाहिए। तलहा एसईओ राइटिंग आप कर रहे हो, आपको ये तो पता है ना कि एसईओ की एप्लीकेशन क्या है, कंटेंट को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। तो आपने वो कंटेंट की जो ऑप्टिमाइजेशन की गाइड है ना, जो उसकी रूल्स हैं, जो उसकी चीजें मुझसे सीखी हैं आपने, कंटेंट राइटिंग के बुलेट पॉइंट्स मैंने लिख के दिए थे, उसको अप्लाई कर देना है कंटेंट में, तो वो आपकी एसईओ राइटिंग है। और वो क्यों हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अच्छा रैंक हो जाए, क्योंकि वन ऑफ द फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है कंटेंट जो है, तो उसमें एसईओ की एप्लीकेशन करके हम दे देंगे। तो हमने अपने हिसाब से राइटिंग वैसी कर दी है जो रैंक हो सकती है। बाकी फैक्टर अब जो एसईओ जो कैंपेन चला रहा है बंदा, या जो वो आगे खुद जाने, क्योंकि और चीजें भी हैं एसईओ के अंदर। जो हमारा पार्ट था हमने वो करके दे दिया, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके दे दिया। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन टेक्निकल राइटिंग है ना, हो सकता है। जी अभी हम कीवर्ड्स पे जा रहे हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। माशाल्लाह 101 लोग हो गए हैं। जो लोग अटेंडेंस जिनकी रहेगी प्लीज अटेंडेंस मार्क कर लें, और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो स्टार्ट में मैंने बताया ना, इसका इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फायदा होगा आप लोगों को। तो गिग्स बनाएं, अपनी शॉप पे एक चीज नहीं रखनी, मल्टीपल चीजें रखें और स्टार्ट करें। तो ये जी हमारे पास डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अब मैं बाकी क्वेश्चन जी बाय द एंड ऑफ द लेक्चर लेता हूँ, हम लोग जरा स्टार्ट कर लें। तो कल हमने बात की डिजिटल मार्केटिंग हम स्टार्ट करने लगे हैं, उसमें एसईओ, एसएमएम, एसईएम, ईमेल ऑटोमेशन, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, मार्केटिंग फनल, इन सबको हमने करना है डिस्कस, मैंने इसके बारे में बताया। फिर हमने एसईओ को स्टार्ट किया, एसईओ होता क्या है उसके बारे में बताया। कल मैंने कुछ रीड्स दी थी आपको, जो मैंने पब्लिश भी की थी ग्रुप के अंदर, किस किसने पढ़ी है, ऑनेस्टली बताना है किस किसने उसके बारे में पढ़ा है, कि मैंने उसमें क्या बताया आपको। ये मुझे ऑनेस्टली मुझे सिर्फ कमेंट कर दे, मैं देख लेता हूँ। तो मैंने आपको दो रीड्स दी थी कल आपके जो ग्रुप है इसके अंदर ही, और वो रीड्स आपकी जो मैंने लिंक शेयर किए थे आपको, उसके अलावा और भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको लिंक शेयर किए थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो लिंक किधर गए, ये लिंक से मेजर अपडेट्स वाला, और रैंक ब्रेन के बारे में मैंने बोला था। 342 लोगों ने रीच किया है, देखा है, कमेंट किसी ने नहीं किया, लेकिन ये कि चलो कुछ ने तो देखा ही होगा, कुछ जो रह गए हैं वो आज देख लेना। ये चीजें जरूरी हैं, आपको बैकग्राउंड का पता लगे, ये चीजें जरूरी हैं। तो ये एसईओ रीड जो मैंने दी हुई है इसको आपने पढ़ना है, और जिन्होंने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, कि क्वेश्चन किसी के माइंड में आए तो मुझसे पूछ सकता है। नहीं सर, यस सर, नहीं सर, लेकिन कर लें यार, आधा घंटा निकाल लें प्लीज, 30 मिनट्स निकाल लें, 30 मिनट्स डेली निकाल लो, जितना पढ़ा जाए छोड़ देना, अगले दिन 30 मिनट्स में पढ़ लेना, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ें, जहाँ 30 मिनट्स पूरे हो जाए आप कहें बस सर को तो, या इस हमने तो बताया था भाई जीम साहब को 30 मिनट देने, हमने इससे ज्यादा तो हमारे पास टाइम है नहीं। तो आई कैन अंडरस्टैंड आप बिजी लोग हैं, तो 30 मिनट दें, उसके बाद ना दें, उसके बाद छोड़ दें, नेक्स्ट डे दोबारा 30 मिनट्स दे दें, कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ेगा ना, और फिर मेरे से पूछें अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो। अच्छा एसईओ का बैकग्राउंड वो मैंने कुछ रीड्स दी, फिर इसका बताया कि होता क्या है, रैंकिंग प्रोसेस है पूरा, जब गूगल पे फर्स्ट पेज पे आप रैंक करना चाहते हो। फिर
फिर मैंने बताया कि इसकी दो कैटेगराइजेशन है, एक ऑन पेज एसईओ है, एक ऑफ पेज एसईओ है। ऑन पेज एसईओ का नाम ऑन साइट एसईओ भी है, टेक्निकल एसईओ भी है, और ऑफ पेज जो है उसका नाम ऑफ साइट एसईओ, बैक लिंक्स भी है, लिंक बिल्डिंग भी है। तो जहां जहां ये वर्ड यूज हो सेम ही बात है। फिर मैंने बोला कि जो ऑन पेज एसईओ है वो टेक्निकल की भी आपको वर्ड से पता लगना चाहिए कि इट्स अबाउट टेक्निकल थिंग इन टर्म, आपके लिए थोड़ी सी टेक्निकल होगी, बहुत ज्यादा टेक्निकल भी नहीं है, कि वेबसाइट के साथ डायरेक्टली जो भी चेंजेस करते हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इंक्लूडिंग कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, तो हेडर ऑप्टिमाइजेशन, इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन, सब कुछ आपका जो है ना वो ऑन पेज के अंदर आता है, जो डायरेक्टली साइट के साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट है। और ऑफ पेज में ये होता है कि बस साइट को उठाते हैं और प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, रेलिवेंट प्लेसेस के ऊपर, अच्छे प्लेसेस के ऊपर, ताकि हमारी वेब प्रेजेंस बढ़े, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़े और हम लोग अल्टीमेटली अच्छे रैंक हो सके। ये दो चीजें बताई मैंने। फिर मैंने ऑन पेज एसईओ को उठाया और मैंने बोला कि ऑन पेज एसईओ के अंदर ये वो चीजें हैं जो हम लोग परफॉर्म करने की तरफ जाएंगे, और इसमें मैंने बताया कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो हम लोग कर चुके हैं, ये वाला पार्ट वो है जो हम लोगों ने ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया हुआ है। कीवर्ड रिसर्च, हमने कीवर्ड रिसर्च नहीं की थी, हमने कीवर्ड सपोज करके या क्लाइंट हमें दे देगा तो उसकी बेस पे कंटेंट राइटिंग कर दी थी। बट क्लाइंट जो कीवर्ड आपको देता है उसके पीछे बैकग्राउंड है, आप ऐसा कीवर्ड नहीं ले सकते जो आप अकेले ही सर्च करते हैं। आपने एक दिल में कीवर्ड सोचा जी इसके लिए मुझे रैंक होना है, ये कीवर्ड जब आपको गूगल में जाके लिखे ना, मतलब तो कीवर्ड मींस के वो टर्म, वो फ्रेज जो आप गूगल पे जाके लिखते हो जब कोई चीज सर्च करते हो, तो एक आपकी साइट है जिसमें आप हाउस क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो इन न्यूयॉर्क, ठीक है, हाउस क्लीनिंग इन न्यूयॉर्क आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बिजनेस है वहां पे, तो हाउस क्लीनिंग आप जब आप कहते हो जी जब मैं हाउस क्लीनिंग इन न्यूयॉर्क लिखूं तो मैं यहाँ पे रैंक पे आऊं। अब हाउस क्लीनिंग इन न्यूयॉर्क कीवर्ड अगर मैं ले रहा हूं ना, तो मुझे मेक श्योर करना है कि भाई इसको कोई सर्च भी करता है या नहीं करता, मैं अकेला तो नहीं हूं, जो मैं अकेला ही सिर्फ हाउस क्लीनिंग इन न्यूयॉर्क का वर्ड मेरे दिमाग में दुनिया में आया है, या मेरे अलावा को 5-7 लोगों के माइंड में और आता होगा, वरना जो डाटा कहता है, जो गूगल कहता है, वो कहता है भाई इसको तो कोई सर्च ही नहीं कर रहा। तो जब गूगल कह रहा है इसको कोई सर्च नहीं कर रहा, उसका डाटा बता रहा है कोई उसको सर्च नहीं कर रहा, तो मैं अगर इस कीवर्ड के लिए रैंक हो भी गया तो मुझे क्या फायदा होगा, मैं यहाँ क्यों रैंक होना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि हाउस क्लीनिंग इन न्यूयॉर्क कोई लिखे तो मैं यहाँ पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके अंदर मैं शो हूँ फर्स्ट पेज के ऊपर, मैं क्यों होना चाहता हूँ, आई नीड बिजनेस, मुझे बिजनेस चाहिए। जब लोग सर्च करें मेरी साइट सेम सर्विस दे रही है, मेरी साइट यहाँ पे अपियर हो, लोग मुझे क्लिक करके कॉन्टेक्ट करें, मेरी सर्विसेज को बाय करें, मुझे अल्टीमेट बिजनेस जनरेट हो, प्रॉफिट जनरेट हो, मेरा अल्टीमेट गोल ये है, वरना गूगल का मेरे साथ क्या लेना देना है, मुझे गूगल से क्या कंसर्न है। मुझे गूगल से ये कंसर्न है सिर्फ कि गूगल के पास भाई ट्रैफिक है तो मुझे उस ट्रैफिक को कैप्चर करना है। आगे समझ, तो हाउस क्लीनिंग सर्विस इन न्यूयॉर्क क्लाइंट ने आपको दे दिया, या आपने खुद सोचा कि मैंने इसके लिए रैंक होना है, तो आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पास क्या प्रूफ है कि ये कीवर्ड, ये फ्रेज, ये टर्म लोग एक्चुअली गूगल में जाके सर्च करते हैं आपके अलावा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मेक श्योर करना है कि इसको एक स्पेसिफिक ऑडियंस, एक रीजनेबल ऑडियंस इसको सर्च करती है, क्योंकि वो लोग सर्च करेंगे तो मेरे तक पहुंचेंगे ना, तो मुझे उसके लिए डेटा चाहिए। तो मैं जब भी कोई कीवर्ड सोचता हूं ना, मैं उसका डेटा लेता हूं। कीवर्ड रिसर्च इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस ऑफ डेटा, या जनरेटिंग डेटा, कैलकुलेटिंग, एनालाइजिंग डेटा, कि डेटा क्या कहता है कि ये जो टर्म है जो मैं सोच रहा हूं, क्या इसको और भी दुनिया में लोग या न्यूयॉर्क के अंदर और लोग भी सर्च कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो ये कीवर्ड अच्छा है, मुझे इसको लेके चलना चाहिए, क्योंकि मुझे मुझे एटलीस्ट उन लोगों को तो मैं कैप्चर करूंगा ना। और अगर इसको कोई सर्च नहीं कर रहा, मैं अकेला ही सर्च कर रहा हूँ, तो मैं रैंक तो एक दिन में हो जाऊंगा, सपोज कर रहा हूँ एक दिन में, चलो एक वीक में, 2-4 दिन के अंदर मेरी रैंकिंग आ जाएगी, ये कीवर्ड टाइप करूंगा मेरी साइट फर्स्ट प्लेस के ऊपर नजर आ रही है, ठीक है। बट उसका फायदा क्या होगा, वो तो मैं ही सर्च करता हूँ, मैं ही सर्च करूंगा, मुझे फर्स्ट पेज पे नजर आएगी, मेरे अलावा तो कोई सर्च ही नहीं कर रहा, तो मुझे बिजनेस कहाँ से आएगा, ठीक है। तो वो कीवर्ड यूजलेस है, मुझे वो कीवर्ड लेना है, वो टर्म फ्रेज लेनी है जिसकी सर्चिज हैं, जिसमें डाटा कह रहा है कि इसको लोग सर्च करते हैं, रीजनेबल ऑडियंस है इसके ऊपर, जो अपनी मर्जी से आते हैं, टाइप करते हैं और ये सर्चेस फाइंड करते हैं मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे कितने लोग हैं, वो सारी चीज मुझे डाटा चाहिए, मैं डाटा की बेस पे सिलेक्शन करूंगा, ठीक है। तो डाटा इज एवरीथिंग। तो अभी ये कीवर्ड रिसर्च की बेस है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट, एक शीट ओपन कर लेता हूँ, गूगल शीट, आप लोग एक्सेल ओपन कर सकते हैं, और वहां पे हम लोग उस पर कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, doc.google.com। इस पे जाता हूँ मैं ऑनलाइन इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं वो साथ साथ वो चीजें फिर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, फिर मुझे वैसे अपलोड करनी पड़ती है बाद में, तो मैं कहता हूँ चलो डायरेक्टली इसी पे काम करके इसी पे आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँ, वरना
कोई इशू नहीं है, मैं उधर बना के भी यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। तो आप एक्सेल भी यूज कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने यही यूज करना है, गूगल डॉक्यूमेंट या गूगल शीट्स वगैरह। ठीक है, तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट है, इसको मैं शीट्स में ले जाता हूँ और एक हम लोग एक्सेल शीट जो गूगल शीट है वो ओपन कर लेते हैं। ये ब्लैंक शीट में ओपन कर रहा हूँ। तो मेन कॉन्सेप्ट समझ आया ना कि जो कीवर्ड, जो टर्म जिसकी बेस पे आपने आर्टिकल लिखा था, जब क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर रहा है तो आप एज अ कंटेंट राइटर उसके बारे में कोई इतनी केयर ना भी करें कि भाई सर चीज है या नहीं है, मुझे क्या लगे, मुझे क्लाइंट ने दे दिया है, मैं लिख के दे देता हूँ, क्योंकि आपको खुद नॉलेज नहीं है इतना। और अगर आपको नॉलेज है तो हाँ आप क्लाइंट को रिकमेंडेशन दे सकते हैं, भाई जो कीवर्ड आप मुझे दे रहे हो इसको तो आपके अलावा दुनिया में कोई सर्च ही नहीं करता, या मैंने आज किया है तो इसका क्या फायदा होगा आपको, इस पर लोग सर्च नहीं करेंगे तो आपके पास लोग आएंगे भी नहीं आपकी साइट पे। तो आप वो वाला कीवर्ड लो जिसको एक्चुअली लोग सर्च करते हैं। तो वो कहेगा जी वो कैसे लूँ, तो फिर आप उसको कीवर्ड रिसर्च करके डाटा प्रोवाइड कर सकते हो भाई कि ये फलां कीवर्ड फलां टाइम सर्च हो रहा है, आप ये वाला कीवर्ड ले लें बजाय इसके। तो उसके ऊपर वो आप उसको चार्ज भी कर सकते हैं, या उसको वैसे कंप्रेस करने के लिए, अच्छा फीडबैक लेने के लिए एज एन एड ऑन सर्विस दे सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज होगा। तो अभी हम वो कीवर्ड रिसर्च की तरफ जा रहे हैं कि कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं, अगर हमें क्लाइंट को देना पड़े कैसे करेंगे, और इसको एज अ सेपरेट सर्विस भी सेल किया जा सकता है। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, क्लाइंट का बिजनेस है, उसकी एसईओ करनी है, कुछ भी करना है, जो सबसे पहला काम होना चाहिए वेबसाइट बनने से पहले, हर चीज करने से पहले, वो असल में कीवर्ड रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका फिजिबिलिटी एनालिसिस भी होता है कि जिस मार्केट में आप जा रहे हो वहां पे ऑडियंस है, अगर है तो कंपटीशन कितना है, और सारी चीजें आपके सामने आती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बताएं कि क्लियर हुआ कि ये जो कीवर्ड का कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ, कि आपने खुद से सोच के बस स्टार्ट नहीं कर देना, आपने इसको वेरीफाई करना है कि इसका डाटा है, डाटा क्या कहता है, इसको लोग और भी सर्च करते हैं या नहीं करते, जिनको मैं कैप्चर करना चाह रहा हूँ। अगर कोई नहीं करता तो कीवर्ड यूजलेस है, अगर और भी लोग सर्च करते हैं उस एरिया में तो फिर मेरे लिए ये यूजफुल है, फिर मैं इस कीवर्ड को लेके चल सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? चलें बस आज कंप्लीट कर लीजिएगा, चलें गुड हो गया सब, मुझे काफी लोगों ने क्लियर बोल दिया है। तो आई होप फिर कोई भी इशू हो, मैं इसलिए बीच में ब्रेक्स इसलिए लगाता हूँ कि आपको ये ना लगे कि भाई वही रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी हुई है और बस उसमें एक साइड पे बंदा बोली जा रहा है और आप सुनी जा रहे हैं, फिर थोड़ा बैक करके सुन लेंगे, क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, कुछ भी हो नहीं सकता, तो वो फील ना आए। इसलिए मुझे जहां लगता है कि मुझे ब्रेक लगा के क्वेश्चन लेना चाहिए वहां पर मैं आपसे खुद ही पूछ लेता हूँ। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो गुड हो गया। आलिया ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं अभी देने लगा हूँ। तो ये यही तो मैं बताने लगा हूँ आपके कैसे करते हैं, पहले कंसेप्ट दिया है अब मैं करके बताऊंगा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये मैं आ गया गूगल शीट्स में, इसमें मैं इसका नाम वगैरह बाद में चेंज कर लेंगे। अच्छा आपने क्या करना है, जिस सबसे पहला काम जो होता है ना कीवर्ड रिसर्च के अंदर, आप लोग सोचते हो कि अच्छा अगर मेरा बिजनेस, सपोज करें आपका बिजनेस है कि आप लोग क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हाउस क्लीनिंग सर्विसेज इन न्यूयॉर्क, यही सपोज कर लेते हैं हम, प्रॉपर बिजनेस है ये, पाकिस्तान में तो इस तरह के कॉन्सेप्ट कम है, कुछ सर्विसेज अभी स्टार्ट हो गई हैं वैसे, लेकिन सपोज कि हाउस क्लीनिंग सर्विसेज हैं, मतलब डिफरेंट पैकेजेस हैं, वीकली वन टाइम, वीकली ट्वाइस, वीकली थ्री टाइम्स, मंथली बाई मंथली, तो इस तरह से डिफरेंट पैकेजेस बनाए होते हैं लोगों ने। तो मैं कहता हूँ जी हाउस क्लीनिंग का मेरा बिजनेस है जो न्यूयॉर्क में दिया जा रहा है और मुझे इसके बारे में कीवर्ड सर्च करनी है, बड़ा लोकल सा बड़ा स्पेसिफिक सा कीवर्ड है ये, बहुत ब्रॉड कीवर्ड नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, हाउस क्लीनिंग मैं सोचता हूँ कि किस तरह से लोग सर्च करते होंगे, अगर मुझे हाउस क्लीनिंग सर्विस लेनी होती अपने पे इंप्लीमेंट करें तो मैं, और मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, देखिए मैंने आपको 1 मिनट में न्यूयॉर्क पहुंचा दिया है, हालांकि हालात बड़े खराब हैं, अल्लाह ताला बचाए सबको, मतलब जो अभी वहां चल रहा है सबसे ज्यादा अटैक उधर ही हुआ है ना, कोरोना में, कोरोना का ही न्यूयॉर्क में। तो बहरहाल आप लोग न्यूयॉर्क रहते हो, थोड़ी देर तो खुश हो जाओगे ना, तो न्यूयॉर्क में ये है कि वहां पे हाउस क्लीनिंग का बिजनेस आप रन कर रहे हो और आप चाह रहे हैं कि जिन लोगों को हाउस क्लीनिंग सर्विस चाहिए मैं उनको सर्विस प्रोवाइड करूं। तो आप पहले, सबसे पहले अपने आप के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे कि अगर मुझे हाउस क्लीनिंग सर्विसेज न्यूयॉर्क में चाहिए होती तो मैं क्या चीज जाके गूगल में टाइप करता या करती, खुद सोचें और मुझे बताएं, आपने मुझे बताना है और मैंने यहाँ पे स्प्रेडशीट के अंदर यहाँ पे लिखना शुरू कर देना है। यहाँ पे हम बेस बनाने लगे हैं, हम सीडिंग करने लगे हैं, सीडिंग बीज लगाना होता है ना, बीज लगाते हो फिर पौधा बड़ा होता है, तो सबसे पहले जो बेस बनानी है हमने, भाई स्टार्ट कहाँ से ले, क्लाइंट ने कह दिया नहीं मेरी हाउस क्लीनिंग सर्विसेज है मुझे इस पे कीवर्ड रिसर्च कर दो, कहाँ पे जी सर्विस आप देते हो, जी मैं न्यूयॉर्क में दे रहा हूँ, ठीक है अब हमें सिर्फ इतना डाटा अवेलेबल है, अब हमने उस बेस पे पूरी रिसर्च रन करनी है। तो क्लाइंट ने हमें बताया सिर्फ
हाउस क्लीनिंग मैं देता हूँ जी न्यूयॉर्क के अंदर। अब आगे हमारा काम है, तो आप खुद सोचिए कि अगर मेरा बिजनेस है वहां पे हाउस क्लीनिंग का न्यूयॉर्क में, तो मैं गूगल पे जाके क्या सर्च करूंगा अगर मुझे ये सर्विस चाहिए। तो ये सोच के जरा मुझे कुछ वर्ड्स बताएं, वो हम बेस बनाएंगे इसको। हम बोलते हैं यहाँ पे, मतलब एसईओ में बोलते हैं सीडिंग कर रहे हैं हम, कीवर्ड सीडिंग कर रहे हैं, बेस बना रहे हैं, बीज लगा रहे हैं जिसकी बेस पे हमने पूरी रिसर्च रन करनी है। तो सोचें क्या क्या होगा, आप बताएंगे और मैं लिखता जाऊंगा। वो एलएसए ग्राफ देखें, आप माशाल्लाह ब्रिलियंट लोग हैं। एलएसए ग्राफ, कीवर्ड डॉट आईओ, आपको पता है कि वो चीजें हैं। मैं वहां जाके लिखूंगा, मेरे पास इतने आइडियाज निकल के सामने आ जाएंगे। बट एक दफा थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर दे के कुछ वर्ड्स बताओ मुझे, और फिर आगे नेक्स्ट हम करेंगे। तो ये आपने मुझे बताया जी, बेस्ट क्लीनिंग सर्विसेज इन न्यूयॉर्क। तो मैं यहाँ पे जैसे आप मुझे कहोगे मैं वैसे लिखता जाऊंगा, बेस्ट क्लीनिंग सर्विसेज इन न्यूयॉर्क। ठीक है, उसके बाद और किसी ने क्या बताया जी, बेस्ट क्लीनिंग सर्विस इन न्यूयॉर्क, टॉप हाउस क्लीनिंग सर्विसेज, टॉप हाउस, बड़ो क्या हो गया, टॉप हाउस क्लीनिंग सर्विसेज, ये आ गया जी। उसके बाद और क्या बताया आप लोगों ने, बेस्ट हाउस क्लीनिंग सर्विसेज इन न्यूयॉर्क, बेस्ट हाउस क्लीनिंग, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आपने सिर्फ क्या किया है, बेस्ट हाउस क्लीनिंग सर्विसेज आपने ये की है। ठीक है जी, उसके बाद होम क्लीनिंग इन न्यूयॉर्क, हाउस क्लीनिंग इन न्यूयॉर्क, आपने काफी सारे कीवर्ड बताए हैं। चलें जी, होम क्लीनिंग इन न्यूयॉर्क, एक आपने ये बताया और एक आपने बताया हाउस, हाउस क्लीनिंग इन न्यूयॉर्क। ठीक है, और उसके बाद हाउस क्लीनिंग सर्विस इन न्यूयॉर्क, ये तो फिर हमने लिख लिया। हमने नीड अ हाउस क्लीनर इन न्यूयॉर्क, नीड अ हाउस क्लीनर इन न्यूयॉर्क। ठीक है जी, और क्या है जी, लो प्राइस हाउस क्लीनिंग सर्विस। देखिए ये वो सब चीजें लोग जो आपके माइंड में आती है तो दुनिया में और लोगों के माइंड में भी आती होंगी, लो कॉस्ट हाउस क्लीनिंग सर्विसेज। ठीक हो गया जी, उसके बाद होम क्लीनिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हो भी सकता है, इसमें सर्विस प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगी। अच्छा, चीप हाउस क्लीनिंग, चलें ये कुछ कीवर्ड तो आपके हो गए, कितने हो गए जी, ये 8 हो गए हैं। चलो दो और लिख लेते हैं, 10 पूरे कर लेते हैं जी। हाउस क्लीनर्स नियर मी, बिल्कुल हो सकता है हाउस क्लीनर्स, क्योंकि गूगल जो है ना वो जियो लोकेशन के बेस पर रिजल्ट शो करता है आफ्टर गूगल पॉसम अपडेट। गूगल पॉसम अपडेट जिन्होंने थोड़ा पढ़ा है और कुछ ऐसा समझ आ गई हो, और बाकियों को भी आएगी। अच्छा, उसके बाद क्लीनिंग सर्विस न्यूयॉर्क। ठीक है जी, ये आपके टोटल बन गए 10 कीवर्ड्स। ठीक है, ये आपने खुद सोचे हैं, और जारी बात जो भी ये सर्च करेगा तो हाँ जी रिफ्लेक्ट तो रिजल्ट्स वही होंगे, न्यूयॉर्क की साइट से यहाँ पे आनी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये आप लोगों ने क्या किया जी, एक बेस बनाई अपने माइंड में, सोचा और लिख लिया कि अगर मैं होता तो मैं क्या करता। लेकिन हो सकता है कि एक दो तीन चार सोचने के बाद आपका माइंड ब्लैंक हो जाता, आपको चीज और भी समझ ना आ रही होती, और अक्सर अक्सर कैटेगरीज, अक्सर फील्ड ऐसी होती हैं कि वहां पे समझ बाकी नहीं आती, तो दो चार ही आप लिख लो तो बड़ी बात होती है, उसके बाद आपको भी समझ नहीं आ रही होती। तो अगर वो ना समझ आए तो जिस तरह एक कीवर्ड सोचा है ना, इसको पकड़ो, गूगल में जाओ और गूगल में जाके यहाँ पे लिख दो जो सोचा है उसको, बेस्ट क्लीनिंग सर्विसेज इन न्यूयॉर्क या हाउस क्लीनिंग
न्यूयॉर्क। देखिए जी, हाउस क्लीनिंग इन न्यूयॉर्क सिटी, एनवाईसी, और फिर डिफरेंट जो काउंटीज हैं वो सारी आ रही हैं। और अगर मैं इसको सर्च कर देता हूँ तो ये आपके पास लास्ट पे भी, ये देखें, ये ऑप्शंस आ रहे हैं कुछ। ऑफिस क्लीनिंग भी आ रही है, अगर आप कमर्शियल सर्विसेज भी दे रहे हो तो ये भी आ सकता है, ऑफिस क्लीनिंग वगैरह भी आपका ऐड हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप चले जाओ keyword.io में, LIC ग्राफ में भी जा सकते हैं। तो keyword.io में अगर आप जाते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हो और यहाँ पे आप आके पेस्ट करते हो, गूगल सेलेक्ट है यूएसए में, क्योंकि न्यूयॉर्क यूएसए में, तो वहीं पे सेलेक्ट करके आप उसको सर्च करें तो इधर भी आपके पास काफी सारे आइडियाज वो लेके आ जाएगा। 142 कीवर्ड्स निकाल के ले आया वो, ठीक है जी। ये कीवर्ड्स हैं, तो इनके अंदर से भी आपको काफी कीवर्ड मिल सकते हैं। तो ये आपका आइडिया लेने के लिए कि कुछ सोचें खुद माइंड में, जो सोच जहां पे खत्म हो जाए वहां पे गूगल की हेल्प ले लें, keyword.io की हेल्प ले लें, LSI ग्राफ की हेल्प ले लें जो मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे अपनी कोई 10 15 20 30 कीवर्ड्स की लिस्ट बना लें। जितना ये सीडिंग, इसको सीडिंग बोल रहा हूँ, बेस बोल रहा हूँ, ये बेस बन रही है कि आप सोचते हो कि ऐसा होता होगा। क्लाइंट भी आपको ये लिस्ट दे सकता है, ऐसे ही क्लाइंट कहता होगा कि इस किस्म के कीवर्ड्स के लिए मैंने रैंक होना है, मेरे माइंड में कीवर्ड्स आते हैं, तो उसने लिख के आपको दे दिए। उसको नहीं पता सर चीज आई या नहीं है, लेकिन आपको बेस मिल गई, आपको सीड सीड कीवर्ड्स मिल गए। इनको हम बोलते हैं सीड कीवर्ड्स, सीड कीवर्ड्स। मैंने इन कीवर्ड्स को बेस बनाया, मैंने सीडिंग की है, मैंने बीज लगाया, मतलब भी आप उससे सीधा सीधा इसका कॉन्सेप्ट ले लें कि मैंने इन कीवर्ड्स को बेस बनाया और इन कीवर्ड्स की बेस पे मैंने आगे चलना है कि आगे मैंने क्या करना है, ठीक है। तो ये आपके हो गए सीड कीवर्ड्स। मैं 10 कीवर्ड्स को लेकर चल रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, जितने ज्यादा कीवर्ड्स यहाँ पर लेंगे उतना ज्यादा जो है ना आप लोगों को बेनिफिट होगा आगे, उतने ज्यादा अच्छे और प्योरिफाइड किस्म के जो कीवर्ड्स हैं वो निकाल सकते हैं। तो ये कीवर्ड असल में हमने एज इट इज यूज नहीं करने, हो सकता है सारे अच्छे हो सकता है 5 6 अच्छे हों, बाकी ना अच्छे हों। तो ये हमने सिर्फ सोचा है सीड बेस बनानी थी कि किस कोई तो बेस होना जिसकी बेस पे अपनी रिसर्च स्टार्ट करें, तो ये हमने बेस बना ली। इनको बोलते हैं सीड कीवर्ड्स, हमने सीडिंग कर ली है। यहां तक क्लियर है? आप खुद से सोच के लिख लें, आपको जहां सोच ना आ रही हो गूगल से हेल्प ले लें, keyword.io से ले लें, किसी और टूल से हेल्प ले लें, बस आपने जो आपको लगता है कि लोग ऐसा सर्च करते होंगे वो आपने कीवर्ड लिस्ट डाउन कर देने हैं। मैं 10 लेके चल रहा हूँ, आप 20 लेके चलें, 30 लेके चलें, इट्स अप टू यू। ठीक है जी, क्लियर है? बता दे मुझे। कुछ भी माइंड में आता है आपके, बस आपने लिख लेना है, या गूगल से हेल्प ले लेनी है, keyword.io से ले लेनी है, किसी और टूल से हेल्प ले लेनी है, आपने नोट डाउन कर देना है, ठीक है जी। जी ये नेक्स्ट बताने लगा मैं मुन्ना, अभी उसी साइड पे जा रहा हूँ ना, बेस बन गई, अब उधर ही जाना है मैंने, आगे समझ चलें, गुड हो गया। अब हम बात करते हैं जी कि अब वेरीफाई कैसे करें कि इनकी सर्चिज है या नहीं है। तो लेट्स, बड़े पेड टूल हैं, बहुत कुछ है, बट फिलहाल हमने पैसे लगाने नहीं है, तो मैंने आपको वही रिसोर्सेज बताने हैं जो फ्री हैं। क्योंकि मैं आपको ये तो कह नहीं सकता जी अब 2000 की ये चीज बाय कर लो, 1000 रुपए की ये चीज बाय कर लो, 500 रुपए की ये चीज बाय कर लो, वो अभी नहीं करना। हम पहले कुछ कमाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग एडवांस चीजों पे भी जाएंगे और हम लोग वहां पे पैसा भी लगाएंगे। तो फिलहाल हमारे जो रिसोर्सेज है हमने उसके अंदर रहना है, तो मैं आपको फ्री वाली चीजें ही गाइड करूंगा, फ्री बट वो कोई वर्थलेस नहीं है, वो ऐसी नहीं है कि वो यूज नहीं करनी है आप लोगों ने, वो भी अच्छी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जी, मैं गूगल पे जाता हूँ, और गूगल का अपना एक टूल है, क्योंकि मुझे गूगल पे आना चाहिए ना डेटा, गूगल का डेटा क्या है, गूगल क्या कहता है कि इन कीवर्ड्स की सर्चेस हैं या नहीं है, और गूगल आपको ये भी बताएगा कि भाई जो आप टाइप कर रहे हो उसकी सर्चेस नहीं है, हाँ बट और कुछ कीवर्ड्स इसके रिलेटेड है उनकी सर्चेस हैं। तो मेरा काम हो गया, मैंने उसको एक कीवर्ड दिया, उसकी सर्चेस नहीं थी ना, हो गूगल ने मुझे आइडियाज दे दिए, भाई इनकी सर्चेस हैं, इसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं हमारी डेटाबेस में जो पड़े हुए हैं ये डाटा चेक करो, इनमें से कोई कीवर्ड चूज कर लो, इनकी सर्चेस ज्यादा बेटर है। तो मुझे मेरा काम हो गया, मैंने इसलिए तो सीडिंग की है। तो आपने क्या करना है, गूगल का एक कीवर्ड यूज करना है जिसका नाम है गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर, आपने ये यूज करना है, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर आपने गूगल पे जाके टाइप करना है। और यहाँ पे मेरे पास अकाउंट लॉग इन नहीं है, मैंने एक नया अकाउंट बनाया। अगर आपने मेरा अकाउंट क्रिएशन वाली वीडियो देखी है तो मैंने इस बैच के लिए एक अकाउंट बनाया है स्पेशल, जो सिर्फ इसी बैच के अंदर मैं यूज करूंगा। उसमें इसलिए मैंने बनाया कि आपको वही चीज नजर आए जो मेरे पास नजर आ रही होती है,
आपको वही चीज नजर आए, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया। तो मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे ना मैंने दूसरे ब्राउजर में मैं यहाँ काम करने लगा हूँ। तो यहाँ पे देख लें आप, नजर आ रहा है ना यहाँ पे, जूम कर दिया मैंने। तो आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे आना है और लिखना है गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर। ये आपने गूगल पे जाके टाइप करना है। ये पहला ही लिंक आ रहा है, ये लिंक भी वहीं पे लेके जा रहा है, ये लिंक भी वहीं पे लेके जा रहा है। ये गूगल का अपना टूल है जो आपको बताएगा कि भाई जो चीज आप देखने आए हो उसकी सर्चेज हैं या नहीं है। जो आप सोच रहे हो गूगल क्या कहता है, गूगल के डाटा में, गूगल के रिकॉर्ड में वो चीज लोग सर्च वाकई करते हैं या नहीं करते। तो आपने गूगल पे जाना है, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर लिखना है, और लिखने के बाद ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है इसको क्लिक करके आपने ओपन कर लेना है। तो ये आपके पास इसका मेन जो पेज है वो आ गया। अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा साइन इन। बेशक यहाँ क्लिक कर लो गो टू कीवर्ड प्लानर पे यहाँ पे, और बेशक यहाँ पे क्लिक कर लो ये जो टॉप पे आपके पास साइन इन बना हुआ आ रहा है, कहीं पे भी क्लिक कर लें। तो मैं ये क्लिक करता हूँ साइन इन पे। ये असल में गूगल एडवर्ड्स है जहाँ पे हम एड जा रहे हैं, जो आपके गूगल के एड्स चलते हैं वो भी यहीं से चलते हैं। आपके कीवर्ड रिसर्च जो है उसकी बेस भी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, गूगल से लेते हैं डाटा सबसे पहले कि गूगल क्या कहता है किसी कीवर्ड के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल एड हम नहीं चलाएंगे, फिलहाल हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे। और एड पे जब 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 हम जाएंगे तो दोबारा इसी टूल के ऊपर हमने आना है। तो गूगल पे क्या लिखा मैंने, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर, क्लिक किया फर्स्ट लिंक, ये मेरे पास इंटरफेस आया। इसमें मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ, और साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये मुझे ईमेल कोई और बता रहा है, मुझे इसमें ईमेल यूज नहीं करना। आपने जो भी ईमेल आपका है वो यूज होगा, मेरे पास असल में देखें कितने ईमेल ओपन हुए हैं, इस वजह से वो इस तरह से बताता है मुझे। तो मैं इसमें से ये जो बर्टन बैज 11 एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम, मैंने एक ईमेल बनाया है जो सिर्फ स्पेसिफिकली इस बैच के लिए बनाया है, और मैं उसको यूज कर रहा हूँ। ये ईमेल है वो क्यों यूज कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि आपके पास भी नया अकाउंट है शायद, आप लोग मोस्टली लोग फर्स्ट टाइम गूगल एडवर्ड्स में एंटर होंगे, तो फर्स्ट टाइम जब एंटर होते हैं तो थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है। वो सेटिंग जो है वो नए अकाउंट में आनी थी, अगर मैं पुराना अकाउंट अपना यूज कर लेता तो मेरे पास वो सेटिंग्स नहीं आनी थी, तो फिर आपको पता नहीं चलना था, इसलिए मैं नया अकाउंट यूज कर रहा हूँ। तो ये जो बटन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है इस बैच के लिए, उसके बाद इसको यूज करना भी नहीं मैंने। तो आप लोगों का जो नया ईमेल है, जब फर्स्ट टाइम अगर आप गूगल एडवर्ड्स में आए हैं तो ऐसा ही आपके सामने आएगा। तो गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके लिखना है गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर, क्लिक किया फर्स्ट लिंक को, इंटरफेस आया, वहां से आपने जो उसका मेन इंटरफेस था वहां से लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अगर आप एक ही ईमेल से लॉगिन हो तो वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे ले आएगा। मेरे केस में मल्टीपल ईमेल्स हैं तो फिर आपको ईमेल बताना पड़ेगा किस ईमेल के अंडर आपने इसको ओपन करना है, तो मैंने वो बताया था। अब यहाँ पे जब आप आ गए, यहाँ पे आपने न्यू गूगल एड अकाउंट एक बनाना है, और यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। और ये वन टाइम प्रोसेस है जो मैं अभी करूंगा, जो तीन तीन चार स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होगा, उसके बाद ये प्रोसेस नहीं आया करेगा। तो स्टार्ट करूं, कोई इश्यू तो नहीं यहां तक आप लोगों को? मैं कोशिश करें साथ साथ नोट करते जाएं, मैं तो वीडियोस भी बना बना के पब्लिश करूंगा आप लोगों को। और मैं पता क्या बताता होता हूँ, मेरा एक एक जो है ना वो नोट डाउन करवाने का एक मेथड है, मैं जो आप लोगों को अक्सर गाइड करता हूँ कि अगर कोई बंदा हमें से नोट्स बना रहा है तो कैसे बनाया करे, उसमें आपकी हर्डल ही खत्म हो जाएगी वो, आप क्योंकि आपके अपने हाथ से बने होंगे और आपको उस चीज की समझ भी आएगी कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपने नोट करने हैं। अब यहाँ देखो, आप जो मैंने अभी प्रोसेस किया है, टाइप गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर, गूगल, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट है, ये जूम है जिससे आपको नजर आ रहा है। उसके बाद मैंने ये ब्रैकेट एक लगाई है, मैं मतलब ये एरो लगाया, मतलब मैं पाथ बता रहा हूँ क्या कि क्या पाथ होगा। क्लिक ऑन गूगल एडवर्ड्स लिंक, गूगल एड अकाउंट लिंक जो भी वहां पे आ रहा है, ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट क्लिक या साइन इन। और अब जो मैं मेथड आगे करवाऊंगा ना वो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो जब ऐसे आपने ये एरोज लगा के पाथ बनाए होंगे ना, तो होगा क्या कि आपको कभी
6 मंथ बाद भी नोट्स अगर ओपन कर लोगे ना, तो आपको ऐसा पता लग जाएगा, अच्छा मैंने गूगल में ये टाइप करना है, ठीक है, फिर जो मेरे पास लिंक आएगा उसको क्लिक करना है, फिर मैंने साइन इन करना है, फिर मैंने उसके अंदर जो नया अकाउंट बनाना है, जिस तरह भी वहां पे एक ऑप्शन आ रहा है ये वाला न्यू गूगल एड अकाउंट, एड्स अकाउंट, तो मैं यहाँ पे न्यू गूगल एड्स अकाउंट, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो उससे नेक्स्ट क्या होगा वो आ जाएगा, तो आपके पास एक पूरा पाथ निकला हुआ आ जाएगा कि मैंने अगर इस गूगल एडवर्ड्स को यूज करना था तो मैंने क्या प्रोसेस यूज किया था, मतलब जस्ट मतलब अगर आपको याद ना आ रहा हो रिमाइंड करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से चीजें नोट डाउन कर लिया करें, ये आपकी बेस्ट अप्रोच होगी थोड़ा बहुत ही, बाकी तो आपके पास डॉक्यूमेंट भी आ जाते हैं, सब चीज आ जाती है, लेकिन ये हल्की हल्की ये चीजें नोट करते रहेंगे ना, तो आपके लिए कल को जब आप कुछ टाइम गैप के बाद अगर इसको देखना चाहेंगे कोई इश्यू आ रहा होगा तो आपको चीजें बड़ी अच्छी क्लियर हो जाए करेंगी, तो ऐसा कुछ कर लिया करें जरा बेटर हो जाएगा। बुक मार्क कर लें बिल्कुल, ये आप देखें ना अगर गूगल एडवर्ड्स ओपन किया है ना जहाँ पे भी आपने, जैसे मैंने अगर ये गूगल एडवर्ड्स सपोज करें ये स्ट्रीम आ रही है, यहाँ पे ये जो आपके पास स्टार का ऑप्शन आ रहा है, इस स्टार के ऑप्शन पे क्लिक करें, ये बुक मार्क एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे नाम दें और ऐड कर दें जिस फोल्डर में भी, अगर मेन डेमो फोल्डर में करना है तो वहीं रहने दें, डन, तो क्या होगा कि आपके पास बुक मार्क के अंदर ये चीज ऐड हो जाएगी, किसी टाइम भी ओपन करना है तो ये देखें ये आपके पास यहाँ पे भी आ रहे होंगे, और बहुत ज्यादा अगर किए हैं तो फिर बाकी जो है ये लास्ट में एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पे क्लिक करने पे ये सारे बुक मार्क जो चीजें की हुई है आपने वो आ रही हैं, इनमें आप क्लिक करके कोई भी चीज ओपन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, तो बाकी मैं कोशिश भी करूंगा कि मैं आपके साथ टूल शेयर भी कर दूं। तो किधर गए हम लोग, यहाँ पे थे, तो मैं फिर भी नाम भी शेयर कर दूंगा, तो अभी यहाँ पे स्टार्ट कर दूं, यहाँ पे कोई इश्यू तो नहीं किसी को, मैंने पहले पूछा था, नो कैरी ऑन, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा न्यू गूगल एड अकाउंट, इस पे क्लिक करना है, तो पहला एड अकाउंट इस ईमेल के अंडर हम बना रहे हैं, जैसे मैंने क्लिक किया ये आपके सामने ये लोडिंग हो रही है, वो ओपन कर रहा है, उसने क्या किया सीधा मुझे न्यू कैंपेन पे लेके चला गया। न्यू कैंपेन क्या जी, मैंने आपको बताया कि ये एड के लिए भी यूज होता है ये वाला, जो आपका जिस पेज पे मैं लैंड किया हुआ है जिस अकाउंट के अंदर हम लोग हैं गूगल एड अकाउंट गूगल एडवर्ड्स में, यहाँ पे ये अकाउंट आपका एड चलाने के लिए भी यूज होता है, तो जब नया मैंने स्विच किया है ना, जैसे मैंने नया क्लिक किया है अकाउंट बनाने के लिए, तो मुझे एक विंडो पे ले आया है, एक इंटरफेस पे ले आया है जहां पे वो कह रहा है न्यू कैंपेन स्टार्ट करें, नीचे लिखा हुआ है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, कॉल ज्यादा लेनी है, साइनअप्स लेने हैं, फिजिकल लोकेशन में विजिटर्स को इम्प्रूव करवाना है, तो मैं फिलहाल तो ऐड चलाने आया ही नहीं, फिलहाल तो मैं कीवर्ड ही सर्च करने आया हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस प्रोसेस को नेक्स्ट नहीं करना, मुझे इस प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करना, ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट टाइम सिर्फ एक ही बार, ओ ये क्लिक हो जाता है, एक ही बार ये स्टेप है, तो जरा ख्याल से इसको आपने नेक्स्ट नहीं करना, इसको स्टार्ट नहीं करना, कैंपेन नहीं बनाने आए हम, आपने क्या करना है स्क्रॉल डाउन करना है, और ये जो लिखा हुआ रहा है ना आर यू आ प्रोफेशनल मार्केटर स्विच टू एक्सपर्ट मोड, तो जी मैंने आपको वीडियो में भी बताया अकाउंट में हम लोग एक्सपर्ट्स हैं, जो जो काम आप करते जाएंगे और फिर एक दफा आपसे गुजारते जाएंगे इनशाला आप लोग उसमें एक्सपर्ट ही हैं, ठीक है, वी आर नॉट लेस देन एक्सपर्ट्स, तो यहाँ पे स्विच टू एक्सपर्ट मोड मोड करना है आपने, तो अब यही चीज जो है अगर आप नोट डाउन भी कर रहे हो तो वहां पे नोट भी कर लेना, मतलब इसी को कर लो जी कि मैंने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या किया था, मैंने वहां पे स्विच टू एक्सपर्ट मोड किया था, ये किधर था वो डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप वो लिख दीजिए स्विच टू एक्सपर्ट मोड, तो एक प्रोसेस फर्स्ट टाइम, ये तो दोबारा आना भी नहीं है, ये तो मैं फर्स्ट टाइम है सिर्फ, तो इन केस दोबारा कोई नया ईमेल यूज करने लगे तो आपको समझ आ जाए, तो अब क्या करेंगे आप स्विच टू एक्सपर्ट मोड इस पे क्लिक कर देंगे, तो मैंने नया अकाउंट क्रिएट करने पे क्लिक किया और स्विच टू एक्सपर्ट मोड कर दिया, जब स्विच टू एक्सपर्ट मोड करेंगे तो वो अभी भी आपसे कैंपेन ही बनवा रहा है न्यू कैंपेन, बट वहां पे ऑटो वो गाइड के थ्रू उसने बनवा देनी थी, यहाँ पे वो कह रहा है जी अपनी मर्जी का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करें और जो भी करना कराना है वो करें, कैंपेन हमने अभी भी स्टार्ट नहीं करनी, अब आपने क्या करना है कि ये जो मेन मेन हाईलाइटेड चीजें हैं इनको इग्नोर कर देना है, और ये एक अभी मैंने जूम किया हुआ है तो आपको जरा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, वरना जूम आउट करूं मैं अगर तो ये ऐसे नजर आएगा, तो ये छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, आपने इस पे क्लिक करना है, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन ये जो लिखा हुआ है इसको क्लिक करना है, और इसको वहां नोट डाउन भी कर लेना, मैं बार बार नोट डाउन नहीं करता, आप लोग इसको या एक स्वीकार ही नहीं है, तो अब ये मेरा पार्ट था, ठीक हो गया जी, फर्स्ट टाइम अगर कोई भी नया ईमेल है उस पर आपको एक बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा, एक बार के बाद दोबारा नहीं आएगा, तो मैं जो ये लास्ट पे लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन इस पे करने लगा हूं क्लिक, मैंने कर दिया क्लिक आप लोगों की इजाजत से,
और नेक्स्ट विंडो मेरे पास आ गई ये वाली, जिसमें मुझे वो कह रहा है कंफर्म योर बिजनेस इंफॉर्मेशन, बिजनेस की इंफॉर्मेशन कंफर्म करो। और इसको मैं जूम कर देता हूं, आपको क्लियर नजर आए। बिलिंग कंट्री कौन सी आपकी? पाकिस्तान है, जारी बात है पाकिस्तान का कार्ड वगैरह कुछ चीज यूज करोगे जिससे आप पैसे वगैरह पे करोगे। ये असल में जब कैंपेन वगैरह चलाएंगे ना तो तब वहां पे इसकी एप्लीकेशन है, तो पाकिस्तानी रहने दें। टाइम जोन पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी रहने दें। ये करेंसी लिखी हुई है पीकेआर, यहाँ पे मैं पीकेआर रिकमेंड नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि आप डॉलर्स कर लें, यूएसडी कर लें, क्योंकि यूएसडी स्टैंडर्ड है। और जब आप लोग कीवर्ड रिसर्च की रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे ना, तो कीवर्ड रिसर्च की रिपोर्ट्स जनरेट करते हुए उसके अंदर एक कॉलम्स आते हैं जिसमें अगर आप गूगल एड्स चलाते हो तो उसका जो बजट है ना, मिनिमम मैक्सिमम आपका कितना लग सकता है, उसकी एवरेज बताई होती है, तो वो आपकी रिपोर्ट में ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती है। तो जब क्लाइंट को वो सेंड करोगे ना और वहां पीकेआर में अमाउंट लिखी हुई, तो उसको अगर यूएसडी समझाना तो वो तो बेहोश हो जाएगा कि 150 रुपीज अगर लिखा हुआ या 200 रुपीज लिखा हुआ तो वो असल में तो 1 पॉइंट समथिंग 1.2 डॉलर्स को समथिंग इतना बनते हैं उनके, तो हमारा क्या है जी, हमारे वो 150 बन रहे हैं, तो वो समझेगा कि 150-200 डॉलर्स की बात हो रही है, एक क्लिक का लगेगा, तो वो तो बाकी उसके लिए फिर वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा रिपोर्ट को समझना, या आपको बताना पड़ा करेगा जी ये पीकेआर में था, या आपको डॉलर में फिर कन्वर्ट करना पड़ा करेगा। तो उस काम से बचने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादातर इंटरनेशनली काम करना है और यूएसडी एक स्टैंडर्ड है, तो आप लोग यहाँ पे करेंसी जो है ना वो पीकेआर की बजाय यूएसडी कर लें, क्योंकि ये करेंसी आपकी बाद में चेंज नहीं होनी। तो यहाँ पे आप ये यूएसडी डॉलर क्लिक कर लें। ये होगा क्या कि सिर्फ आपकी रिपोर्ट्स के अंदर जो है ना वो जो बिडिंग रेट या जो कैंपेन अगर एड वगैरह आप चलाते हो तो उसके लिए गूगल की तरफ से जो डाटा आपको दिया जाएगा उसमें यूएसडी के अंदर ही आपके वो डिस्प्ले होंगे कॉलम्स। तो उसमें ये क्लाइंट के लिए समझना इजी होगा, क्योंकि वो सपोज कर रहा होगा कि यूएसडी ही है। पीकेआर में करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, फिर उसको समझने में इशू आ सकता है। तो बिलिंग कंट्री वही रखें, टाइम जोन भी वही रखें, कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये जो करेंसी है ना इसको यूएसडी डॉलर कर लें, ताकि रिपोर्टिंग के अंदर यूएसडी में शो हो, क्योंकि हमने इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है, तो वहां पे फिर हमें बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े जी ये पीकेआर में करेंसी है, ये ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो इस कॉलम के ऊपर आके, इस पेज के ऊपर आके सिर्फ और सिर्फ मैंने करेंसी चेंज की है, करेंसी को मैंने यूएसडी डॉलर में कन्वर्ट किया है, एंड दैट इज इट। यहाँ तक क्लियर है, बताते मुझे। और फिर नीचे लिखा हुआ यस सेंड मी परफॉर्मेंस टिप्स, ये अगर आप टिप्स वगैरह उनकी तरफ से गूगल की तरफ से लेना चाहते हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं, एंड सबमिट। क्लियर है, अगर आप लोगों की इजाजत है तो मैं सबमिट करूंगा। तो सिर्फ करेंसी चेंज करना है रिपोर्टिंग, ताकि हमारी जरा इजी हो जाए। ऑटो हाइडिंग के लिए बहुत सारे हैं शायद, हेडिंग्स वगैरह के लिए भी मैं भी शेयर करता हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा रुक रही है, नहीं तो फिर निसार आपकी एंड पे इशू होगा नेट वगैरह का। ऑल क्लियर, तो जी आपकी इजाजत से मैं इसको यूएसडी में कन्वर्ट करके यस पे क्लिक करके सबमिट करने लगा हूँ। और ये यूएसडी सिर्फ इसलिए किया है रिपोर्टिंग, रिपोर्ट के अंदर अगर करेंसी में कोई पैसों की बात हुई हुई है तो वो यूएसडी में नजर आए, ताकि क्लाइंट को मैं बोलूँ भाई ये यूएसडी है, क्योंकि स्टैंडर्ड है, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। पीकेआर में रिपोर्टिंग में फिर उसको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसलिए मैंने करेंसी चेंज किया यूएसडी में, बाकी वैसे ही रहेगा। ये करने के बाद आप सबमिट पे कर देंगे क्लिक। ये जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक किया, ये आपको नेक्स्ट विंडो पर ले आया जहां पे वो कह रहा है कंग्रेट्स यू आर ऑल डन, ठीक है, और नीचे लिखा है एक्सप्लोर योर अकाउंट, तो काम हमारा हो गया जी। अब और कोई ऑप्शन है ही नहीं क्लिक करने वाला, मुझे एक्सप्लोर योर अकाउंट भी क्लिक करना पड़ना है, देख लें मतलब कोई और ऑप्शन आपको आसपास नजर नहीं आ रहा, देख लें, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लोर योर अकाउंट पे क्लिक करना है, तो मेन मेन जो काम हमने करना था वो कर लिया। अब मैं एक्सप्लोर योर अकाउंट पे क्लिक करना है, मैंने पहले देख लूं अगर किसी को कोई अभी तक मेरे टिप्स वाला रेडियो बॉक्स नहीं आ रहा, कौन सा, किस बॉक्स की बात कर रहे हैं, अली बता देना मुझे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंग्रेट्स यू आर ऑल डन है ना, एक्सप्लोर योर अकाउंट क्लिक जी, मेन डैशबोर्ड आ गया। अब क्या होगा, अब दोबारा जब भी आप गूगल एडवर्ड्स में लॉग इन करेंगे ना, स्ट्रेट वे ये विंडो आपके पास आनी है, यही आपके पास आना है। अब वो जो पिछला प्रोसेस मैं करके आया हूं वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा, अनटिल अनलेस आप एक नया कोई ईमेल या नया एड अकाउंट यूज कर रहे हो।
तब आएंगे, वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, वो एक ही टाइम होता है। अब दोबारा वो प्रोसेस आपके सामने नहीं आएगा। अब सेकेंड टाइम जब आप एंटर होंगे तो आप डायरेक्टली इस पेज के ऊपर लैंड करेंगे, तो वो सिर्फ वन टाइम प्रोसेस था। इसलिए मैंने एक नया ईमेल यूज किया ताकि वन टाइम प्रोसेस आपको पता लग जाए, मैं उससे आपको गो थ्रू करवा दूं। समझ आ गई जी? सर सब क्लियर है? बता दें मुझे, फिर मैं नेक्स्ट मूव करूंगा। 15-20 मिनट में मैं लेक्चर क्लोज कर दूंगा, वही 1 बजे के आसपास अब लेक्चर में वाइंड अप किया करूंगा, क्योंकि आप लोग अक्सर मेरे ख्याल में क्लासेस वगैरह का भी है तो जाना भी शुरू हो जाते हो। मतलब क्लास ऑफिशियली क्लोज करूंगा, नई चीज क्लोज किया करूंगा, और बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए मैं बैठा रहा करूंगा जब तक आप क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। क्लियर है जी? हाँ, कोई मसला नहीं अली अली, वो जो भी था, जो मेन चीजें वो आनी चाहिए। शुड वी डू इट नाउ? क्या नहीं, बस अभी फिलहाल समझ लें, फिर आप कर लीजिएगा। 1:15 चले, देखते हैं, 1:15 हो ही जाना है। हौसला देने के लिए कहा है मैंने यार दोस्तों, अभी भी देख लें, 94 लोग हैं, इमेजिन कर लो। सबात रो क्यों रहे हो जी, क्या हुआ? चलें, तो ये आपके, ये मैं स्क्रीन जूम आउट कर देता हूँ जी, ये जूम आउट हो गया, तो ये आपके पास पूरी स्क्रीन आ गई। ये अब आप जब भी लॉग इन करोगे, आप इस स्क्रीन पे लैंड करोगे। जब यहाँ लैंड किया करोगे ना, तो अब कीवर्ड एडवर्ड्स, जो कीवर्ड प्लानर टूल जो है वो किधर है, ये टॉप पे टूल्स का ऑप्शन आ रहा है। फिर दोबारा एक बार जूम करके इसको दिखा दूं, मैं जूम इसलिए करता हूँ कि किसी को ये ना हो कि वो आइकन नजर नहीं आया था, वो क्या था क्या नहीं था। ये टॉप पे फुल जूम कर दिए, ये आ रहा है टूल्स एंड सेटिंग्स का ऑप्शन, आपने करना है इसको क्लिक। जैसे इसको क्लिक करेंगे, नीचे आपके पास, ये जूम आउट करके दिखाऊं तो ये इस तरह से कार्ड ओपन होगा, और जूम इन करूंगा, इसमें प्लानिंग का ऑप्शन आ रहा है, प्लानिंग के अंदर आ रहा है कीवर्ड प्लानर। ये देखें जरा, प्लानिंग, प्लानिंग में आ रहा है कीवर्ड प्लानर। तो मैंने ये जो टॉप पे आपके पास ऑप्शन आ रहा था टूल्स एंड सेटिंग्स का, उसको क्लिक किया है, ये कार्ड ओपन हुआ है, इस कार्ड में ये प्लानिंग है, प्लानिंग के नीचे आ रहा है कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन। ये वो ऑप्शन है जिसको पाने के लिए हमने इतना लंबा चौड़ा काम किया है, कीवर्ड प्लानर, इसको आपने कर देना है क्लिक। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास नेक्स्ट विंडो, नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो रही है। ठीक है जी? यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने अपडेट किया है, तो रिफाइन योर कीवर्ड, दिस गाइड शोज यू हाउ टू रिफाइन योर कीवर्ड जस्ट इन फ्यू स्टेप्स। तो आप ट्राई इट नाउ करके उनके जो कि गाइड है आप उसको भी देख सकते हैं, और मैं जो है उसको स्ट्रेट अवे यूज करने लगा हूँ। ठीक है, ये आपके पास ये कीवर्ड प्लानर की विंडो आ गई है। अब बुक मार्क करने वाला लिंक ये है, अगर आप डायरेक्टली लैंड करना चाहते हैं, जब नेक्स्ट टाइम आप लॉग इन करें तो आपको टूल्स एंड सेटिंग्स भी क्लिक ना करना पड़े, आपको कीवर्ड प्लानर भी क्लिक ना करना पड़े, आप स्ट्रेट अवे इसी स्क्रीन पे लैंड करें, तो इस लिंक को आप बुक मार्क करें, वो ज्यादा बेटर है। नहीं तो जब भी लॉग इन करेंगे सिर्फ टूल्स एंड सेटिंग्स पे जाना है, और यहाँ पे प्लानिंग के नीचे जो कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन आ रहा है आपने उसको क्लिक करना है, और आपके पास ये विंडो आ जाया करेगी। तो ये वो कीवर्ड प्लानर की विंडो है जहां पे असल में हमने लैंड करना था, और इसके लिए हम लोग वो सारा काम करके यहां तक पहुंचे हैं। ये आपके पास विंडो है, ये समझ आ गई? तो मैं कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करता हूँ, ये करता क्या है, इसमें क्या है सब कुछ। हाउ टू चेंज पीकेआर टू ईएसटी, मेरे पहले से अकाउंट बना हुआ है नवीद, नया एड अकाउंट बना लें, फिर स्विच करके नया बना लें, पहले वाले में मेरा नहीं ख्याल ऑप्शन आएगा। चलें, गुड हो गया, मैं वैसे स्लो जा रहा हूँ, अगर आप साथ भी करते तो मिल जाना था। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, और एक आ रहा है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। सबसे पहले डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, सीधा सीधा लिखा हुआ है, गेट कीवर्ड आइडियाज दैट कैन हेल्प यू रीच पीपल इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। कीवर्ड आइडियाज फाइंड करें जो आपके इंटरेस्टेड लोगों तक पहुंचने में आपको हेल्प आउट करेंगे। और दूसरा जो है ना, ये वाला, इसमें फोरकास्ट वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, इसमें क्या होता है कि आपके पास कीवर्ड्स हैं, गिवन कीवर्ड्स, इसमें आइडियाज हैं, इसमें मैं एक वर्ड ऐड करूंगा, गूगल मेरे पास उसके रिलेटेड 2,000-2,500 वर्ड्स निकाल के ले आएगा कि आप ये सर्च कर रहे हो, इसकी इतनी सर्चिज हैं एज पर आवर डेटाबेस, एज पर आवर रिकॉर्ड, और इसके अलावा भी इसके रिलेटेड टर्म्स हैं जो सर्च होती हैं, लोग सर्च करते हैं, और उनका जो डाटा है वो सब कुछ मेरे सामने ले आएगा। तो मेरे पास जब आइडियाज मुझे चाहिए तब मैं ये चीज यूज करता हूँ।
डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स वाला सेक्शन। और जब मेरे पास कीवर्ड्स हैं, डिसाइड कर चुका हूं कि 10 15 20 50 100 कीवर्ड कौन सा है जिसको मैंने लेके चलना है, जिसपे मैंने कैंपेन चलानी है या जिसपे मैंने एसईओ करनी है, जो भी करना है, तो मैं वो कीवर्ड्स यहाँ पे देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे असल में फोरकास्ट मिलता है। फोरकास्ट क्या होता है? डेटा। फोरकास्ट बजटिंग बता के देता है, एड की बजटिंग बना के देता है कि अगर आप इन 10 कीवर्ड्स के साथ जाते हो तो आपको पर डे बजट कितना पड़ सकता है, या आप इतना बजट लगाओगे तो उसके ऊपर इतने क्लिक्स आपको आ सकते हैं, इस तरह की चीजें जो ना फॉरकास्ट करता है ये। तो ये वो सेक्शन है जहाँ पे आप कीवर्ड्स खुद लेके आने पड़ेंगे, अपने गिवन कीवर्ड्स का डाटा ले सकते हो और उसकी फॉरकास्टिंग कर सकते हो कि कितने पैसे लगेंगे और उसके अगेंस्ट कितना क्लिक्स, कितना रिवॉर्ड मुझे मिलेगा। तो ये इसकी फॉरकास्टिंग के लिए। और जब नई फर्स्ट टाइम नया कीवर्ड सर्च करने जा रहे हैं, जब आपको नहीं पता, जैसे हम लोग हैं, हमने कुछ कीवर्ड सोचे और हम यहाँ पे सर्च करने आ गए हैं, तो उसके लिए हमने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स का सेक्शन यूज करना है। ठीक है, तो ये दो सेक्शन जो है, इसकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से है कि ये फोरकास्टिंग के लिए अपने गिवन कीवर्ड्स का डाटा निकालना और उसकी फोरकास्ट करना एज पर एडवर्ड्स डाटा या एड्स डाटा, कैंपेन अगर चलानी है आपने, उसमें पैसे कितने लगेंगे, क्लिक्स कितने आएंगे, वो सारी चीजें अगर आपने फाइंड करनी है, तो फिर ये आपकी फोरकास्टिंग की साइड है। और प्लस ये आपको वॉल्यूम भी बताता है, लेकिन गिवन कीवर्ड्स का, जो दे दिए 10 कीवर्ड सिर्फ उनका। इसके अंदर एक कीवर्ड ऐड करोगे, 10 कीवर्ड ऐड करोगे, उसके रिलेटेड 2 4 हजार कीवर्ड निकाल के आपके सामने ले आएगा। तो ये आइडियाज लेने के लिए, तो फिलहाल हम आइडियाज लेने आए हैं क्योंकि हम लोगों ने कुछ कीवर्ड्स निकाले हैं और अब हमने उनका उनसे आइडिया जनरेट करना है कि हमारे जो कीवर्ड्स हमने निकाले हैं क्या उनकी सर्चिज हैं। अगर नहीं है तो चलो गूगल हमें बता दो कि किन की हैं उनके रिलेटेड, तो हम उनमें से कोई चूज कर लेंगे। ठीक है, और गूगल का डाटा क्योंकि डायरेक्टली हमें गूगल से मिल रहा है, गूगल पे जाके लोग सर्च कर रहे हैं, तो हम लोग इसलिए इसको बेस बना रहे हैं, गूगल के कीवर्ड प्लानर से स्टार्ट ले रहे हैं। तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स जो सेक्शन है, इस पे मैं कर दूंगा क्लिक। जैसे मैं क्लिक करूंगा आपके पास ये विंडो आ गई है, जूम आउट करके फुल स्क्रीन भी दिखा देता हूँ, ये विंडो है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्टार्ट विद द कीवर्ड एंड स्टार्ट विद द वेबसाइट। मैं दोबारा जूम थोड़ा सा कर लेता हूँ। तो स्टार्ट विद द कीवर्ड एंड स्टार्ट विद अ वेबसाइट। स्टार्ट विद कीवर्ड्स में क्या है जी, कोई भी यहाँ पे कीवर्ड को फ्रेज आप टाइप करो और गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करो, हम आपको आइडियाज निकाल के ला देंगे। स्टार्ट विद अ वेबसाइट का मतलब होता है कि आप किसी वेबसाइट के थ्रू, मतलब उसके कंटेंट के बेस पे कीवर्ड्स निकालना चाह रहे हैं। वो तो मेरा कोई कंपेटिटर है, मैं उसकी भी वेबसाइट उठा के यहाँ लिख दूं और उसको मैं गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करूं, तो जो उस वेबसाइट के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, जो रिटन फॉर्म में जो कंटेंट पड़ा हुआ है, उनकी बेसिस पे कीवर्ड्स निकाल के मुझे ये टूल बता देगा। तो आप वेबसाइट से भी स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे केस में तो हमारे पास बिल्कुल फ्रेश साइट है, बिल्कुल ब्लैंक है। हम लोग अभी, हमने इनिशियल लेवल पे स्टार्ट लेना है। अगर कंप्यूटर की साइट भी हमारे पास कोई नहीं है कि कौन बंदा कंपटीशन में है, वरना उसकी साइट ऐड करके कुछ आइडियाज ले लें तो वो भी किया जा सकता है। तो मैं अभी वर्ड से स्टार्ट करता हूँ कि मेरे पास वर्ड्स हैं, मेरे पास कुछ सोचे हुए सीड कीवर्ड्स हैं, मैंने उसकी बेस पे डाटा लेके आना है। तो फिर आप स्टार्ट विद कीवर्ड्स वाला जो बाय डिफॉल्ट आता है, इसी पे स्टार्ट करते हो, इसी को सर्च करते हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर प्रोडक्ट सर्विस क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस, तो यहाँ पे वगैरह कीवर्ड टाइप करें, कोई जिस तरह मील डिलीवरी लिखा हुआ है, जिस तरह लेदर बूट्स लिखा हुआ है, ऐसे कुछ यहाँ पे टाइप करें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने उस शीट के ऊपर जिस शीट के ऊपर मैंने सारा डाटा लिखा हुआ है। असल में हमने अब ये लिया हुआ तो इसी को लेके चलते हैं, हालांकि ये बड़ा लोकल नीश है, बड़ी क्लोज नीश है, इसके ऊपर सर्चिज वॉल्यूम भी बहुत बड़ा नहीं होगा। अगर हम ब्रॉड कोई नीश लेते हैं, फैशन के रिलेटेड, हेल्थ केयर रिलेटेड, तो फिर तो उसमें अच्छी खासी सर्विसेज होंगी, लेकिन ये एक लोकल चीज है ना, एक सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर सर्विसेज हैं। तो खैर इसी को लेके चलते हैं। तो सबसे पहला कीवर्ड हमने सोचा था बेस्ट क्लिनिक सर्विसेज इन न्यूयॉर्क। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं आता हूँ अपने प्लानर में, और यहाँ पे इस जगह पे इसको मैं करता हूँ पेस्ट। इन्हें मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद नीचे आप देखें कि इंग्लिश डिफॉल्ट और साथ लिखा हुआ पाकिस्तान, कि मुझे डाटा चाहिए पाकिस्तान में कितने लोग सर्च करते हैं। तो भाई न्यूयॉर्क की सर्विस है, मैंने पाकिस्तान में डाटा लेके क्या करना है। मैं इसको करूंगा क्लिक। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये एक विंडो मेरे पास ओपन होगी, इसमें पाकिस्तान कंट्री सिलेक्ट हुआ हुआ है, मैं इसको क्रॉस करके खत्म कर दूंगा। अब मैं अगर ऐसी सेव कर देता हूं तो ये वर्ल्ड वाइड हो जाएगा, पूरी दुनिया के अकॉर्डिंगली डाटा निकल के सामने आ जाएगा। पर मुझे चाहिए यूएसए में, मैं यूएसए भी कर सकता हूँ, मैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर न्यूयॉर्क का डाटा भी ले सकता हूँ, बट वो मेरे कीवर्ड के अंदर ही न्यूयॉर्क लिखा हुआ है तो जारी बात है न्यूयॉर्क का डाटा ही आएगा। तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स लिख के यहाँ पे डाटा सर्च कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क लिख के भी डाटा सर्च कर सकता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद यूएसए। यूएसए किया एंड सेव, और मैं कहता हूँ कि यूएसए के अंदर जो लोग बेस्ट क्लिनिक सर्विसेज इन न्यूयॉर्क सर्च कर रहे हैं, मुझे उनका डाटा चाहिए। और अगर मैं बहुत स्पेसिफिक जाना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ है ही न्यूयॉर्क की सर्विस, तो मैं यहाँ पे
न्यूयॉर्क के अंदर कितने लोग सर्च करते हैं, मैं वो भी डाटा ले सकता हूँ। न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, ये क्लिक किया मैंने तो ये सिर्फ और सिर्फ आप देखें उसने न्यूयॉर्क को टारगेट कर लिया, और सिर्फ मुझे इसके अंदर जितनी दुनिया सर्च करती है इस कीवर्ड को उसका डाटा मेरे सामने आएगा। तो ये बड़ा लोकल सा कीवर्ड है, बहरहाल सर्चिस कम होंगी इसकी एज कम्पेयर टू ब्रॉड कीवर्ड्स जो होते हैं। मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ, तो मैंने न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लिया, अपना एक कीवर्ड दिया और इस बेस पे मैं डाटा निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पे अप टू 10 कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हो एट अ टाइम, और उसके बाद अगर 20 कीवर्ड आपके पास हैं तो 10 एक बार ऐड करें डाटा निकाल लें, फिर 10 एक बार ऐड करें फिर उसका डाटा निकाल लें, तो इस तरह से होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये एक कीवर्ड के साथ भी जा सकते हैं, तो मैं एक ही बजाय क्या करता हूँ, मैं अपने सारे कीवर्ड्स लेके चलता हूँ यहाँ पे, 10 के 10 को ऐड करता हूँ, तो बाकी 9 को भी मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके इनको भी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये 10 कीवर्ड्स की लिमिट है, 10 कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए सारे। आप एक एक करके भी जा सकते हो पर वो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, आपको रिपोर्ट ज्यादा जनरेट करनी पड़ेंगी, तो 10 एट अ टाइम भी लगा सकते हैं, तो हम 10 के 10 लगा लेते हैं। ये लगाए, यूएसए सेलेक्ट किया और नीचे गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर दिया। जैसे गेट रिजल्ट्स पे क्लिक किया मुझे 462 कीवर्ड आइडियाज निकाल के दे दिए हैं गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर ने। ठीक है, कीवर्ड प्लानर ने मुझे 462 आइडियाज निकाल के दे दिए हैं बेस्ड ऑन माय गिवन कीवर्ड्स। तो मैं थोड़ा सा अगर स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, जो कीवर्ड्स मैंने दिए हैं पहले ये वो कीवर्ड्स आ रहे हैं, इनमें से इसकी 10 से 100 मतलब 10 से 100 के दरमियान सर्चीज हैं इसकी एवरेज मंथली बेसिस पे। किस बेस पे ये डाटा मुझे बता रहा है, ये डाटा बता रहा है प्रीवियस 12 मंथ्स की बेस पे। ये अगर आप मैं जूम आउट करूं, ये टॉप पे लिखा हुआ है लास्ट 12 मंथ्स का जो डाटा है ना उसकी बेस पे जो सर्च वॉल्यूम है ना, जो गूगल कहता है कि हमारे पास जो लोग आए और जिन्होंने ये कीवर्ड्स टाइप करके सर्च किया वो कितने लोग हैं, वो मुझे वो डाटा प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले उसने जो मेरे गिवन कीवर्ड्स हैं उसका डाटा बताया। तो इसमें देखें सिर्फ एक कीवर्ड, दो कीवर्ड ऐसे हैं जिसमें से एक कीवर्ड क्लीनिंग सर्विसेज न्यूयॉर्क जो है वो 100 से 1K, 1K मीन 1000, तो 100 से 1000 के दरमियान लोग मंथली बेसिस पे सर्च करते हैं क्लीनिंग सर्विसेज न्यूयॉर्क को गूगल पे आके। ठीक है, और हाउस क्लीनर्स नियर मी इसको 1K से 10K, 1000 से 10000 के दरमियान लोग हैं जो इस कीवर्ड को गूगल में सर्च करते हैं। बाकी जो है वो 10 से 100 वाले हैं, मतलब मैक्सिमम 100 से नीचे नीचे ही हैं जो पूरे मंथ में सर्च करते हैं। तो वहां पे अगर आप, और कुछ ऐसे भी हैं जो 0 से 10 तक हैं, सिर्फ कोई 5-7 लोग उसको मंथली बेसिस पे एग्जैक्ट इस फ्रेज को लिख के, इस टर्म को लिख के सर्च करते हैं। तो मंथ में 10 लोग भी नहीं है तो मैंने इन कीवर्ड्स को लेके क्या करना है। ठीक है, तो उसमें ये है ना, आप रैंक हो भी जाओगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इतने रिजल्ट्स हैं, जब डिवीजन होगी तो आपको देगा तो बंदा ही मिलेगा बड़ी मुश्किल से, तो इसलिए इसका भी फायदा नहीं है। तो इसमें मुझे जो दो कीवर्ड लगे हैं काम के वो यही लग रहे हैं, हाउस क्लीनर्स नियर मी और क्लीनर्स क्लीनिंग सर्विसेज न्यूयॉर्क। ठीक हो गया, तो ये आपके पास सिर्फ जो कीवर्ड्स आपने गिवन थे उसका डाटा दिया उसने प्रोवाइड किया, तो 10 में से सिर्फ 2 थोड़े से काम के निकले हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जी कंपटीशन, कंपटीशन लिखा है हाई 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 और इनमें कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा, तो ये कंपटीशन जो है, और उसके बाद टॉप पेज बिड लो रेंज, टॉप पेज बिड हाई रेंज, ये क्या चीज है जी? कंपटीशन ये जो आ रहा है ना आपका, ये एसईओ का कंपटीशन नहीं है, ये एड्स का कंपटीशन है। तो इसलिए मैं गूगल एडवर्ड्स में जो अभी आया हूं ना उसका मेन पर्पज है मेरा सर्च वॉल्यूम कलेक्ट करना, कि एज पर गूगल डाटा कौन सा कीवर्ड ऐसा है जो ज्यादा लोग सर्च करते हैं गूगल में जाके, ताकि मैं उसको रैंक करने की ट्राई करूं, फिर ही मुझे लोग मिलेंगे ना, जब लोग सर्च जिस को सर्च करते हैं वहां पे अपीयर होऊंगा तो ही लोग मेरे पास आएंगे। तो मुझे ये दो कीवर्ड्स वो काम के लगे, तो मेरा असल में प्लानर पे आने का जो मेन एम है वो यही था कि मुझे डाटा कलेक्ट करना है कीवर्ड्स का। और ये जो आगे कंपटीशन नजर आ रहा है आपको, ये सारा का सारा गूगल एड्स का कंपटीशन है, तो फिलहाल हम एड्स चलाने के लिए नहीं जा रहे, फिलहाल हम ये कीवर्ड्स कलेक्ट कर रहे हैं एसईओ करने के लिए, तो एसईओ का कंपटीशन ये नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ये है एड्स का कंपटीशन। तो ये हाई है लो है मीडियम है जो भी है, हम इसको भी इग्नोर करेंगे बट रिपोर्ट में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर हो सकता है क्लाइंट ने एड चलाने हो तो फिर उसको पता लग जाएगा कहाँ पे हाई कंपटीशन है कहाँ पे लो कंपटीशन है। और फिर ये टॉप ऑफ द पेज बिड हाई लो रेंज और हाई रेंज, कि जो गूगल के ऊपर कोई भी एड शो हो रहा है, जैसे ये आपका हाउस क्लीनिंग इन न्यूयॉर्क लिखा था, तो इसमें ये देखें ये एड आ रहा है एडी लिखा हुआ है साथ, ये एड आ रहा है एडी लिखा हुआ है साथ। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो टॉप ऑफ द पेज, पेज के टॉप पे शो होने के लिए जो मिनिमम से मिनिमम बजट आपको चाहिए एज पर गूगल, वो अगर आप हाउस क्लीनर्स नियर मी के लिए होना चाहते हैं
तो 2.74 डॉलर्स पर क्लिक आपको चार्ज हो सकता है, इससे कम ज्यादा हो सकता है, ये एवरेज दी है उसने। और अगर आपने टॉप पे शो होना है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बजट जो आपको चार्ज हो सकता है वो 9.58 डॉलर्स है। तो वो कह रहा है कि अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर एड चलाते हो तो आपको इस रेंज से लेके इस रेंज के दरमियान में पे करना पड़ सकता है फर्स्ट नंबर पे शो होने के लिए, टॉप पे शो होने के लिए, इस प्लेस पे शो होने के लिए आपको उस रेंज में बजट पे करना पड़ सकता है। तो ये एड्स के बारे में बता रहा है, इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना, बस मैं आपको कंसेप्ट देने के लिए बता रहा हूँ। बाकी हम इस चीज को कंसिडर करेंगे जब हम एड रन करेंगे कि कौन सा कीवर्ड कम पैसों में अच्छी सर्चिज है, कम पैसे लगते हैं, तो हम उस कीवर्ड की तरफ जाएं। ठीक है जी, तो ये कंपटीशन, ये लो पेज हाई पेज बिड जो सब कुछ है ये हमारे रिलेटेड नहीं है, इसको फिलहाल हमने एसईओ के अंदर काउंट इतना खास नहीं करना, हम लोग फिलहाल यहाँ पे सर्च वॉल्यूम देखने आए हैं। ठीक हो गया जी, कॉलम्स की मैंने समझाना था, कॉलम्स की आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी, नहीं आई तो मुझे पूछिएगा। अब बात हुई कि अभी हमारे गिवन कीवर्ड्स में से दो काम के निकले हैं, बाकी तो नहीं है, मैं कोई भी नहीं ले सकता। मैं कहता हूँ मिनिमम से मिनिमम 100 से 1K वाला कीवर्ड हो तो मैंने लेना है, नहीं तो मैं नहीं लेता। मैंने एक सेट मार्क सेट कर दिया है कि 100+ सर्चिज होंगी तो मैं लूंगा मिनिमम से मिनिमम, वरना नहीं लूंगा, क्योंकि लोकल कीवर्ड है। अगर ये ब्रॉड होता तो मैं शायद 1000 की जो है ना सेट करता कि 1000 से ज्यादा होगा तो लूंगा, नहीं वरना नहीं लूंगा। तो वहां 100 से 1K वाला कीवर्ड लेना है, इससे कम कीवर्ड मैंने नहीं लेना। तो उस सिनेरियो में ये दो कीवर्ड सिर्फ हैं जो मैं ले सकता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, अब इन कीवर्ड्स की बेस पे मुझे नीचे कीवर्ड आइडियाज का एक ऑप्शन आ रहा है, और गूगल ने मुझे कुछ और आइडियाज भी जनरेट करके दिए हैं कि जो कीवर्ड्स आपने दिए हैं उनका डाटा भी दे दिया, और उनकी बेस पे गूगल कहता है कि हमारे पास लोग ये टर्म्स भी सर्च करते हैं, तो मे बी आपको इसमें से कोई काम की मिल जाए, आप वो भी देख लें और उनका वॉल्यूम देख लें। तो मुझे जो मेरा मेन एम था सीड कीवर्ड्स लेने का, वो काम पूरा हो गया कि भाई मैंने जो सीड कीवर्ड लिए थे उनकी सर्चेज नहीं है, दो सिर्फ काम के निकले हैं, लेकिन उसकी बेस पे देखो गूगल मुझे अब कितना डाटा प्रोवाइड कर रहा है। हाउस क्लीनिंग सर्विसेज नियर मी, ये कीवर्ड मैंने नहीं सोचा था, गूगल कहता है ये लोग सर्च करते हैं और 1K से 10K सर्चेज हैं। होम क्लीनिंग सर्विसेज नियर मी की 100 से 1K सर्चेज हैं। कारपेट क्लीनिंग, क्लीनिंग सर्विसेज, कारपेट क्लीनिंग अगर बहुत स्पेसिफिक है मैं नहीं करता तो मैं छोड़ दूंगा, जो मेरे रिलेटेड होंगे वो मैं पिक करूंगा। अब क्लीनिंग सर्विसेज NYC न्यूयॉर्क सिटी 1K से 10K, तो मैं ये कीवर्ड ले लूंगा। क्लीनिंग सर्विसेज NYC, क्लीनिंग लेडी नियर मी, तो अगर आप इस तरह की सर्विस देते हैं तो आप करेंगे वरना नहीं लेंगे। तो आपको 462 आइडियाज निकाल के इसमें दे रही है, इसमें भी कुछ ऐसे भी हैं जो 10 से 100 या 0 से 10 तक होंगे, मैं उनको इग्नोर कर दूंगा। तो जो इसमें रिलेटेड होंगे मैं उनको पिक कर सकता हूँ और उसको अपनी कैंपेन का पार्ट बना सकता हूँ। आगे समझिए, तो मैं अब क्या करूंगा, मैं इसकी रिपोर्ट को जनरेट कर लेता हूँ, अपने पास सेव कर लेता हूँ, और उसके अंदर मैं फिर जाके सारा काम कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इस रिपोर्ट को सेव करूंगा और इस पे काम करूंगा। बट उससे पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो हम आए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमने अपने सीड कीवर्ड्स दिए, उसका डाटा भी हमें गूगल ने दे दिया, और उसके अलावा कुछ आइडियाज भी दे दिए जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं, जो हमारे से रिलेटेड हैं तो हम चूज कर सकते हैं। वो गूगल ने किस बेस पे दिए, गूगल के पास लास्ट 12 मंथ्स का जो डाटा है उसकी बेस पे उसने बताया कि ये कीवर्ड्स भी सर्च होते हैं और इतनी इतनी बार एवरेज मंथली बेसिस पे सर्च होते हैं। और फिर कंपटीशन जो बताया वो एड से कंपटीशन है, वो हमारा फिलहाल उससे कोई कंसर्न नहीं। अगर एड चलानी है तो फिर हमने उसको काउंट करना है कि लो कंपटीशन हो, कम पैसे लग रहे हो, फिर उस साइड पे जाना है। और टॉप पेज बिड, हाई पेज बिड, ये भी एड्स के रिलेटेड है। तो हमारा मेन कंसर्न यह आने का ये है कि हमें कीवर्ड्स कुछ मिले और विद गुड सर्चेस हम उनको लेके आगे चल सकें, और फर्दर फिर हम आगे कंपटीशन एनालिसिस वगैरह जो करना है वो हम लोग कर लेंगे। यहां तक चीज क्लियर है तो मुझे बताएं, फिर मैं इस रिपोर्ट को सेव करने लगा हूं। ये हमारा टैब 2 बनेगा, और कैसे बनेगा मैं बताता हूँ आपको। यहां तक बताएं, मुझे क्लैरिटी है अगर आप लोगों को। फेसबुक यूजर ने बोला है वीडियो डिलीट हो रही है। देखें वीडियो जो है ना, वो अभी जो मेरी वीडियो लाइव होगी ना कल 11 बजे तक, कल दिन में 11 बजे तक, क्लास के हमारा कल वाला लेक्चर होने से 30 मिनट्स पहले तक लाइव पड़ी रहती है। तो ऑलमोस्ट 22 to 24 आवर्स, 22 आवर्स कर लें, चलो 2 घंटे निकाल दें, 22 घंटे वीडियो पड़ी हुई है। अगर आप क्लास में ले रहे होते तो क्लास में आपको जो क्लास में सुन के चले गए बस वही था, अभी आपके पास 22 घंटे वीडियो पड़ी हुई है। तो इमेजिन करें, 22 घंटे कम नहीं होते, आप 22 घंटे में किसी भी टाइम उसको देख सकते हैं। आप आए, अटेंडेंस मार्क करें, कोशिश करें देखने की, अगर टाइम पे होता है इंटरनेट की और कोई अरेंज करने की कोशिश करें,
अगर इन किसी की सिचुएशन में मिस हो रहा है तो बाद में आप उसको 22 घंटे में किसी भी टाइम देख सकते हो। और ये मेरे हाथ में नहीं है वीडियो डिलीट करना या लाइव करना, ये वीडियोस मेरे पास एक वीडियो भी नहीं है, मैं लाइव करता हूँ उसके बाद मैं चला चला गया, नेक्स्ट डे आता हूँ ये मैनेजमेंट साइट से डिलीट हो रही है, सब कुछ वहीं से हो रहा है। मैंने रिकैप भी मंडे को इसलिए किया ताकि कोई अगर मिस हो गया तो उसको जो है ना वो कवर अप करे और उसके बाद हमारे साथ मिल के आगे चले। तो इट इज रिक्वेस्टेड कि किस तरह से इंटरनेट को ठीक कर लें, या 22 घंटे वीडियो है आपके पास, फौरी तौर पे डिलीट नहीं हो रही वीडियो, ठीक है। और फिजिकल क्लासेस से ये बहुत बेटर है इन टर्म्स ऑफ जो वीडियो आपकी पड़ी रहती है अगर उसकी बात करें तो। बाकी ये मेरे हाथ में होता तो मैं जरूर इसको फॉरएवर रखता, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि ये मैनेजमेंट का डिसीजन है उनके एंड से। ये कीबोर्ड डॉट आईओ तो सिर्फ आपको वर्ड्स बता रहा है ना, सर्चेस के लिए फिर भी आपने प्लानर पे जाना है। बस मैं क्वेश्चन ले लगा, मैं ये टैब कंप्लीट कर लूं, इसको सेव करके रख लूं ना ताकि आगे फर्दर हम कल आगे से स्टार्ट करें। इफ्तिखार वो अगर आप कारपेट स्पेसिफिक हो गया ना, क्लीनिंग सर्विसेज में बहुत सब कुछ आ जाता है, कारपेट क्लीनिंग में स्पेसिफिक हो गया कि सिर्फ कारपेट क्लीनिंग है, तो उसका एज पर गूगल एडवर्ड्स जो लोग कैंपेन चला रहे हैं उसमें कंपटीशन लो है, वो गूगल बता रहा है हमें। एसईओ का कंपटीशन नहीं, एज पर गूगल वाली साइड एड्स वाली साइड से कंपटीशन लो है, तो थोड़ा स्पेसिफिक कीवर्ड है इस वजह से। अच्छा यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा कि ये आपके पास ना मैंने जूम आउट कर दिया है, ये टॉप एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज, यहाँ पे अगर आप क्लिक करें ना, आपने इस पे क्लिक कर गूगल शीट्स का ऑप्शन, सीएसवी पे क्लिक करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास जो आपकी एक्सेल वगैरह में ओपन हो जाएगा। मैं इस टाइम गूगल शीट्स में करने लगा हूँ क्योंकि मैं गूगल शीट ही यूज कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, मैं उसको वहीं पे यूज कर लूँ, ठीक है। तो अगर आप करेंगे तो आप पहले सीएसवी करके उसको फिर भी इंपोर्ट करके भी वहां पे लेके जा सकते हैं, वो भी इट्स अप टू यू, लेकिन चले मैंने आपके लिए सीएसवी ही कर दी है और मैं बाद में आगे ले जाता हूँ। तो ये एक्सेल में ओपन होगा जो सीएसवी है, और गूगल शीट्स में भी डायरेक्ट जा सकता था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका जो मैंने ये यूज किया है ये आ रहा है, इसको मैं क्लीनिंग इसको नाम दे देता हूँ ताकि मुझे अपलोड करते हुए इजी हो। तो मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड कर लिया, आप सीधा एक्सेल में ओपन कर लें। मैं एक्सेल में ओपन नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे शीट्स पे लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ और ओपन अ फाइल, और इसमें मैं अपलोड मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये वाला प्रोसेस आप लोग बेशक ना करें, ठीक है। तो मैं शीट की बजाय अब इसको सीधा यहाँ से लेके आ रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट एक्सेल में यूज कर लो जो आपका मेन है, इधर आने की जरूरत नहीं है। तो क्लीनिंग सर्विसेज, ये क्लीनिंग है, इसको क्लिक करके मैं अपने पास लेके आ रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ गया, तो आप शीट में वैसे भी सेव करते तो ऐसे ही आना था, तो ऐसे ही आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी, एक्सेल में भी ऐसी आएगी, यहाँ पे भी ऐसी आ रही है, ठीक है जी। तो ये उसने डाटा निकाल के मुझे दे दिया। अब अगर आप यहाँ देखें जो मेरे पास यहाँ पे प्लानर में जो काम मैं कर रहा था, वहां पे मेरे पास आ रहा था डेटा, एवरी मंथली सर्चेज में रेंज आ रही थी 100, 10 से 100, 10 से 100, 10 से 100, 1K से 1, 10K, इस तरह से आ रहा था। अब जब रिपोर्ट डाउनलोड किया ना, रिपोर्ट ने क्या किया है, प्रॉपर ही एवरेज ले ली है, 10 से 100 था तो उसको 50 कर दिया है जी, एवरेज सेंटर पॉइंट वो उन्होंने ले लिया है, एवरेज ले ली है 100 से, जो 1K से 10K था तो उसका सेंटर पॉइंट जो 5000 है वो ले लिया, कि एवरेज इसके आसपास है जो सर्च होता है। तो हमें एक आइडिया ही मिलता है यहाँ से, फर्दर हम इसको आगे और भी इसके साथ कुछ काम करेंगे जिसे हमें ज्यादा एक्यूरेट डेटा मिलेगा, लेकिन फिलहाल हमें ये एवरेज भी काफी है। और इसमें हम लोग एक मार्क सेट कर लेते हैं कि भाई हमने मिनिमम जो है वो 100+ वाला सर्च वॉल्यूम लेना है, क्योंकि लोकल कीवर्ड है। जब आपका ये जेनेरिक ब्रॉड कीवर्ड होगा, लोकल नहीं होगा किसी स्पेसिफिक लोकेशन के रिलेटेड, तो फिर हम लोग 1000 भी मिनिमम मार्क रख सकते हैं, 5000 भी रख सकते हैं, 10000 रख सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। तो 1000 तो हम लोग अक्सर जाते हैं उसमें, लेकिन यहाँ पे लोकल है तो इसलिए 100 का मार्क हमने रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये आपके पास रिपोर्ट हो गई है डाउनलोड, अब रिपोर्ट में क्या है देखिए, करेंसी में यूएसडी लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि उसने जो ये बिड रेट दिए हुए ना, ये यूएसडी के अंदर दिए हुए। तो मैं क्या करता हूँ, ये बिड रेट आगे ये वाले जो है, तो मैं क्या करता हूँ ये करेंसी वाला कॉलम जो है ना इसको कर देता हूँ डिलीट, ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है अक्टूबर 1 को रिपोर्ट जनरेट की है, और ये लिखा है कीवर्ड स्टैट्स के बारे में, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये जो ऊपर दो
लाइनें लिखी हुई थी, कब कब रिपोर्ट जनरेट हुई है, मुझे वो भी नहीं चाहिए। उसके बाद एवरी मंथ से सर्चेज का कॉलम मुझे चाहिए, मुझे कंपटीशन का कॉलम चाहिए, मुझे कंपटीशन इंडिकेटर चाहिए कि आउट ऑफ 100 कितना कंपटीशन है ये वो बता रहा है, इन मतलब डिजिट्स के 100 में से 68, 100 में से 75, बट स्टिल ये वही एडवर्ड्स का कंपटीशन, एड्स का कंपटीशन है, ये एसईओ का नहीं है। ये टॉप एज बिड और हाई रेंज लो रेंज के कितना कम से कम बजट होना चाहिए, किस रेंज में अगर आप अपियर होना चाहते हैं, और उसके बाद ये फिर एड इंप्रेशन ऑर्गेनिक और ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये सारा मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसको भी डिलीट कर देना है। ठीक है जी, तो ये आप सारे कॉलम्स जो आपके पास लिखे हुए आ रहे हैं एंड तक, इनको कर दोगे डिलीट, वी डोंट नीड देम। तो आपको असल में ये चाहिए था, कीवर्ड एवरेज सर्च मंथली सर्चिस, कंपटीशन, कंपटीशन इंडिकेटर, इंडेक्स्ड वैल्यू मतलब वो जो आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, टॉप पेज बिड लो रेंज हाई रेंज, इसलिए कि इन केस क्लाइंट अगर एड चलाने हो तो उसके पास ये डाटा भी साथ मिल जाए, इसलिए हम इसको निकालते नहीं है। तो अब ये जो रिपोर्ट है आपकी सारी जो आ रही है, इसमें मैं क्या करता हूँ कि ये जो एवरेज मंथली सर्चिज है ना, मैं इसमें एक मार्क सेट कर देता हूँ कि भाई मुझे कम से कम 100+ वाले कीवर्ड चाहिए, मुझे इससे कम कीवर्ड नहीं चाहिए। तो फिल्टर लगाना आता है आप लोगों को, कोई नहीं आता, ये मतलब ये बी के ऊपर ये लिखा हुआ, इस पर भी क्लिक करूंगा तो मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ, नहीं तो आपके पास एक्सेल के अंदर भी ऑप्शन आ रहा था फिल्टर का, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है फिल्टर का जो कि है, जूम आउट कर लूँ थोड़ा सा, या अरेंज कर लो सीधा सीधा यहाँ पे कर लो आप सॉर्ट ए टू जी, मैंने किया तो जितने वो कम सर्चेज वाले थे वो पहले आ गए, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे कम से कम 100+ वाले चाहिए, तो ये जो इतने ज्यादा आ रहे हैं आपके 50 50 50 सर्चेज 50 सर्चेज, इनको मैं वैसे डिलीट कर दूंगा, रह के जाना मेरे पास, ये 50 वाले यहाँ तक आ रहे हैं, इनको तो मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये इसलिए इस तरह इतने ज्यादा है क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक है, सिर्फ एक न्यूयॉर्क एरिया, समझ नहीं, जिस तरह लाहौर की अगर सर्च करते हैं तो उस तरह का सिनेरियो है ये, तो मैं यहाँ इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया, ये कॉलम कहाँ पे आ गया, तो टॉप पे होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपके पास 100+ वाले रह गए, और ये कुछ ये हैं जिनका डाटा है ही नहीं, ये 0 से 10 था या इनका डाटा ही कोई नहीं मिला, तो इनको भी डिलीट कर देता हूँ, और मेरे पास रह गए ये कुछ कीवर्ड, ये वो कीवर्ड है जिनका 100 से 1K के दरमियान था, उन्होंने 500 एवरेज ले ली है, और ये वो वाले हैं जो 1K से 10K तक थे, ये वाले रह गए। तो मैंने मिनिमम मार्क सेट किया कि 100 से कम मंथली सर्चिस वाले कीवर्ड मैंने लेने ही नहीं, तो मेरे पास ये रह गए कीवर्ड्स टोटल के आपके पास, ये हार्डली मेरा ख्याल है कि ये रह गए हैं जी 47 कीवर्ड्स रह गए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इन कीवर्ड्स को मैं करता हूँ पिक, इसको मैं करता हूँ कॉपी, और अपनी सेम शीट पे ले जाता हूँ जो शीट में जहाँ पे मैंने सीड कीवर्ड लिखे थे, ये सीड कीवर्ड थे, शीट 1 मेरे सीड कीवर्ड थे, मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ नीचे शीट 2 बन जाएगी साथ, इस शीट 2 के अंदर मैं वो वाले सारे कीवर्ड लेके आ जाता हूँ जो मैंने वहां पे अभी तक निकाले हैं। तो ये मेरे कुछ कीवर्ड आ गए मेरे सामने, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, जिसकी डेंटिंग पेंडिंग है मतलब ये तो आप जो फॉर्मेटिंग वगैरह है मैं वो सासत कर रहा हूँ, मतलब ये जरा रिपोर्ट अच्छी हो जाती है, वरना जो मेन काम है वो तो हमारा हो गया, और लेक्चर बस मैं क्लोज करने लगा हूँ अब उसके साथ ही। तो ये आपका रिपोर्टिंग वगैरह के लिए मैंने ये सही कर दिया, और इसको मैं कलर भी दे देता हूँ, तो ये तो बात की चीजें वैसे। तो ये आपके शीट 2 रेडी होगी, जिसके अंदर आपने क्या किया, असल में आपने गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर पे गए हो, और वहां जाके अपने सीड कीवर्ड्स की बेस पे सबसे पहले वो कीवर्ड सोचे जो आपके माइंड में आए, उनको प्लानर में ऐड किया, उसकी बेस पे डाटा निकाला, और वो डाटा आपके पास ये आया जो गूगल ने कीवर्ड्स दिए, और इसके अंदर ये वो रीजनेबल कीवर्ड्स अभी तक हैं जो मेरे सामने आए हैं जिनको लेके मैं चल सकता हूँ, और ये सारी वैल्यूज जो कंपटीशन से लेके इधर है ये सारी एड्स की हैं, बट मैंने इसलिए रखी हैं कि इनकेस अगर गूगल क्लाइंट ने एड चलाना हो तो वो चला सके। ये जो एवरेज मंथली सर्चिज हैं ये सिर्फ एवरेज निकाल के उसने बताया, बट मैंने उसमें मार्क सेट कर लिया कि भाई 100+ कीवर्ड, 100+ सर्चिज वाला कीवर्ड लेना है, एवरेज मंथली सर्चिज वाला, उससे कम वाला कीवर्ड नहीं लेना, तो इसलिए बाकी मैंने डिलीट कर दिए। तो ये आपके पास वो कीवर्ड्स हैं जो हम लेके चल सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ कीवर्ड बड़े ब्रॉड हैं, जैसे क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी, टू वर्ड्स के जो वर्ड्स हैं, या मेड NYC, तो अब मेड जो है शायद मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्लीनिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मुझे वो डिलीट करने हैं,
तो उसको हम लोग कल लेके चलेंगे आगे कि इसमें से वो कीवर्ड जो इररेलीवेंट है, जो मुझे लगेगा कि मेरे से रिलेटेड नहीं है, मैं उसको कैसे निकाल सकता हूँ। जैसे ये एक आनाज क्लीनिंग सर्विस न्यूयॉर्क सिटी भी आ रहा है, तो ये आनाज, ये कोई कोई होना है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होने हैं, तो ये उनके नाम वाला कीवर्ड है, तो ये उनके ब्रांड का कीवर्ड है, तो इसको मैं नहीं ले सकता, तो मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा। फिर अपार्टमेंट क्लीनिंग है, होम क्लीनिंग है, क्लीनिंग लेडी न्यूयॉर्क सिटी है, तो इसमें कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जो मेरे रिलेटेड शायद ना हो, तो मैं उनको डिलीट करूंगा। और अगर मेरे पास कीवर्ड का डाटा कम आए, तो फिर मैं सीड कीवर्ड्स और ज्यादा लूंगा, 10 और लूंगा, और उसकी बेस पे और कीवर्ड्स निकाल के लेके आऊंगा। तो ये तो है जी, यहाँ तक के जो कीवर्ड सीड कीवर्ड निकाले हैं उनका गूगल एडवर्ड्स के थ्रू, प्लानर के थ्रू आपने किस तरह से और आइडियाज लेने हैं और उनको नोट डाउन करना है, और उसमें मिनिमम सर्च वॉल्यूम जो मैंने बताया आपको 100+, वो रख के हमने कीवर्ड चूज कर लिए। आगे फर्दर इसका कंपटीशन एनालिसिस है एसईओ का। एक तो हम इसमें से जो इररेलीवेंट है डिलीट करेंगे, और दूसरा फिर हम एसईओ का एक कंपटीशन एनालिसिस करेंगे, जिसमें पता चलेगा कि इनमें से कौन सा कीवर्ड कितना इजी है, कितना टफ है उसको रैंक करना, और उनमें से जो इजी होंगे लेकिन उनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा अच्छा होगा, हम उनको लेके आगे टारगेट करने की तरफ जाएंगे। तो अब इस स्टेप के बाद आगे होना है हमारा कंपटीशन एनालिसिस, तो वो हम कल करेंगे, और उसके साथ ही हमारी रिपोर्ट फाइनल हो जाएगी, और इंशाल्लाह ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा, और फिर हम लोग आगे वेबसाइट सेटअप की तरफ चले जाएंगे और बाकी कामों की तरफ। यहां तक अगर सब कुछ समझ आ गया है तो मुझे बताएं, नहीं आया तो भी बताएं, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जिनके क्वेश्चंस हैं वो रुक सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता लगे कि हम जो कीवर्ड लेके चल रहे हैं, या जो आर्टिकल जब आपने लिखा था तो जो कीवर्ड आपको मिला था, या आप अपनी एसईओ करने जा रहे हैं, क्लाइंट की एसईओ करने जा रहे हैं, तो जो कीवर्ड आप चूज करेंगे वो कीवर्ड क्या लोग सर्च भी करते हैं या नहीं करते। अब एक ऐसा कीवर्ड आप ले लें और उसको रैंक करने की ट्राई करना स्टार्ट करते हैं जिसको आपके अलावा कोई सर्च ही नहीं करता, तो रैंक तो बड़ा जल्दी हो जाएगा बट उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे तो कोई और सर्च ही नहीं करता। तो हमें डेटा लेना है कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका, जिनकी सर्चेज हैं, जिनका वॉल्यूम है, और हम उनको आगे लेके चल सकते हैं, क्योंकि हमें तो ऑडियंस चाहिए, हमें ट्रैफिक चाहिए, तो जिसको लोग सर्च करते हैं, जिस कीवर्ड को, हमें उसी के ऊपर काम करना चाहिए, उसी के लिए अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहिए ताकि हमें फायदा हो, उसी के लिए आर्टिकल के अंदर उसको यूज करना चाहिए, कंटेंट में यूज करना चाहिए ताकि हम उस पर रैंक हो और हमें फायदा हो। तो हम लोग कीवर्ड का डेटा ले रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या जो कीवर्ड हम ले रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। जी, आप इसी से भी पैसे कमाएंगे, ये भी एक सर्विस है, तो ये कल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप इसको भी बना सकते हैं। जी, क्वेश्चन स्टार्ट करें अभी। अच्छा, 75 लोग रह गए थे, 20, 25, 30 लोग गायब हो गए थे। अगर कोई आपका उस क्लास का इशू है तो प्लीज डू शेयर इट विद मी। क्लास का इशू है, कोई ऑफिस आप जाते हैं उसमें ब्रेक होती है, या कोई और मामला है, या अगर आपको चीज समझ नहीं आ रही, या किसी और एंगल से मतलब और बेटर वे से मैं समझाऊं, कोई भी इशू हो तो काइंडली मुझे बताया करें, आप चुप करके गायब हो जाते हैं, बताया करें। अगर अगर कोई इशू है, या जो भी इशू है, मतलब इशू ना भी हो, अगर वैसे ही वो मतलब कोई आपके एंड से है कि आप नहीं उस टाइम आ सकते, ज्यादा देर क्लास नहीं, उसके बाद ले सकते एक टाइम के बाद, तो मुझे भी बताएं, फिर मैं कोशिश करूंगा। अगर कुछ मेजोरिटी उस साइड पे जा रही है कि जो क्लास नहीं ले पा रही, 1 बजे मैक्स है, उससे ऊपर नहीं जा सकते वो, तो मैं फिर तब तक जो है ना क्लास को वाइंड अप किया करूं। तो बस शेयर कर दे मेरे साथ कि जो भी है सर। क्या हम टूल ये टूल हम वेबसाइट कंटेंट के कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं? जी, वो जो वेबसाइट का ऑप्शन था उसमें अगर आप जाके वेबसाइट ऐड करेंगे तो उसकी बेस के ऊपर कीवर्ड्स निकल के आ जाएंगे। बच्चों का छुट्टी टाइम होता है, वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। मैं तो 1 बजे कर रहा था, मुझे तो पता नहीं किसने तो की ने बोला था, किसने बोला था 1:15 तक ले जाएं, तो वो पता नहीं अनइंटेंशनली जो है ना उसकी बात सुनी गई। और आज हमने स्टार्ट में भी थोड़ा सा टाइम लिया है, जिसमें फाइवर की बातें की, गिग्स की बातें की, अगर वो ना होती तो ये तो 1 बजे से पहले खत्म था यहाँ तक। मुझे मैसेज कर दें, यहाँ बता सकते हैं, यहाँ बता दें, मैसेज कर दें मुझे कि ये है रीजन, इस वजह से हो रहा है, तो मुझे पता लगे कि मेरा इशू नहीं है, वो वैसे भी और इशू है, या मुझे पता लगे कि काफी लोग बच्चों को लेने जाना होता है या कहीं और जाना होता है, तो फिर वो पता लग जाए मुझे। अलमास अहमद, हाउ टू फाइंड आउट हाई सर्च कीवर्ड
वॉल्यूम कीवर्ड्स विद लो कंपटीशन, बिकॉज इफ सर्च वॉल्यूम हाई देन कंपटीशन ऑब्वियसली हाई, ये ज्यादातर का ऐसा ही होता है, लेकिन उसके अंदर छुपे होते हैं कीवर्ड्स ऐसे जिनका कंपटीशन कम भी होता है। तो जो कंपटीशन एनालिसिस मैं कल बताऊंगा आपको, उसमें हमें क्लैरिटी हो जाएगी, हम कीवर्ड को फर्दर, एक तो सर्च वॉल्यूम इसमें तो एवरेज निकाल दी ना उसने, वो क्लियर आपके सामने हो जाएगा कि एक्चुअली सर्च वॉल्यूम क्या है, एक्चुअली क्या गेन कर सकते हो आप उससे, और दूसरा उसमें कंपटीशन क्या है, एसईओ कंपटीशन क्या है, एसईओ डिफिकल्टी लेवल क्या है उसके अंदर। तो हम कल करेंगे इंशाल्लाह अलमास। कैन वी पब्लिश आवर मास्टर्स थीसिस ऑन गूगल? जी मेरा ख्याल है कर सकते हैं, इसमें कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। मतलब ये रिप्लाई नहीं करता मैं? नहीं जी, मैं रिप्लाई करता हूँ, असल में मैसेज बहुत ज्यादा होते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि मैं जब भी बैठता हूँ ना, मैं ऊपर से मैसेज रिप्लाई करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब इन बिटवीन कहीं किसी टाइम पे मैंने छोड़ दिया, अब कुछ रहते हैं, अब मैं जब बाद में दोबारा मोबाइल पकड़ूंगा तो क्या होगा कि ऊपर वाले मैसेज जो हैं, जो मतलब तो पहले वाले नीचे वाले रहते थे, ऊपर और मैसेज आ गए मैं तो वो और नीचे चले गए, तो वो फिर उन तक पहुंचते पहुंचते काम लेट हो जाता है। अब मैं ऐसे करूंगा, मैं नीचे से ऊपर को स्टार्ट करूंगा। कैसे रिस्पॉन्सिव बनाए गिग्स का मैंने बताया, आपने वीडियो देखी कि क्रिएशन की, उसमें मैंने कलर्स कॉम्बिनेशन का और इस तरह से आपको आइडिया दिया है, बल्कि बना के भी एक दिखाई है। जी अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। वालेकुम सलाम। आई वांट टू विजिट योर ऑफिस, वेयर आर यू लोकेटेड? अलमास मैं बैरिया में हूँ, और ऑफिस कोरोना के टाइम से बस कुछ रिमोट है, कुछ इधर है, ऐसे ही चल रहा है। वैसे मैं जोरटाउन में बेस था पहले, इस्त्री ब्लॉक में, लेकिन उसके बाद मैंने ड्यूरिंग कोरोना यहाँ मूव किया था जब टीम रिमोट पे चली गई थी। जी, कैनवा, कैनवा यूज करें, कैनवा बेस्ट है, कहीं और कुछ और यूज करने की जरूरत ही नहीं है आपको। हाफिज अब्दुल्ला आपने आना है कॉल पे? मैंने देखा है स्ट्रीम के ऊपर हो आप, स्ट्रीम आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो वैसे किया हुआ है या कॉल पे आना है? मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको ऐड कर लूँ। इमेजेस बनाने के लिए कैनवा यूज करें इफ्तिखार, मैंने गिग क्रिएशन की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, यूज करके दिखाया हुआ है। दूसरे प्लेटफॉर्म्स के कीवर्ड भी इस टूल से सेलेक्ट कर सकते हैं? दूसरे प्लेटफॉर्म मीन सर्च इंजन, बिंग की बात कर रहे हैं, याहू की बात कर रहे हैं? बिंग का अपना टूल भी है, लेकिन यह कि हमारा मेन कंसर्न, और जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा उसका सबसे मेन कंसर्न होगा गूगल, गूगल पे भाई रैंकिंग ला के दो, क्योंकि ट्रैफिक गूगल पे है ना ज्यादा। अलमास इंशाल्लाह आप कहाँ पे बेस्ड हो आप? कैनवा फ्री भी है, पेड भी है, फ्री इज मोर देन इनफ फॉर अस। गिग बैनर बनाना है आपने, आपने सोशल मीडिया के लिए चीजें डिजाइन करनी है, उसकी कवर करनी है, पोस्ट डिजाइन करनी है, आपने इन्फोग्राफिक्स करने हैं, आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, कैनवा बहुत मतलब मल्टी उसके अंदर ऑप्शंस हैं। कल से आपने जो भी समझाया समझ आ गया। आपने मेरा कल से पहले वाला लेक्चर नहीं लिया, जो मंडे को मैंने रिकैप दिया है सारा, मैंने टोटल रिकैप किया था कि जो भी लास्ट वीक में हुआ था उसको रिकैप करवाया था मंडे को, और मंडे वाली वीडियो कल 11 बजे तक दिन में पड़ी रही होगी, उसके बाद कल डिलीट हुई, तो आपने देखी नहीं। मुस्लिम टाउन, अच्छा दूर बहुत है यार, अब चले इंशाल्लाह।
आई एम ऑल्सो बेस्ड इन लाहौर, तो आप ऑफिस में वर्किंग शुरू करें तो प्लीज़ टेल अस, आई वांट टू मीट पर्सन। जी इंशाल्लाह, एनी टाइम। जी थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह। तो की कोशिश करता हूँ आगे, अल्लाह की तरफ से जी समझ आ जाती है आपको तो बहुत खुशी होती है। कल फर्स्ट डे था। देखें जी, कोई अगर हेल्प आउट कर सकता है कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड, कंटेंट असल में कंटेंट एक ही बस स्किल था मेन, जो डिस्कस किया था हमने लास्ट वीक में और मंडे को, वो कंटेंट राइटिंग था। तो देखें, अगर आप अपने ये जो फेलोज हैं में से किसी से कवर कर सकते हैं वो चीज़ तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वीडियो अब मुझे नहीं, आई एम नॉट श्योर कि वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे वो, और मेरे पास वीडियो है नहीं होती भी तो मुझे अभी उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ। जी अल्लाह हाफिज। जी मैं मैसेज चेक करता हूँ, और ये जो कुछ मैंने स्किल्स आपको बताई हैं आज, और ये कीवर्ड रिसर्च कल ऐड हो जाएगी आपके साथ, और लिटरली कीवर्ड रिसर्च पे आप डॉलर्स बड़े कमा सकते हैं, आप प्रेजेंटेशंस भी बड़ा बड़ा कुछ कमा सकते हैं। फाइवर इजी मनी है, और छोटी सी स्किल भी आप फाइवर पे सेल कर सकते हो, छोटी सी स्किल, और उसी में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो इसलिए ना, इन जो छोटी छोटी स्किल्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको आपने इजी नहीं लेना, इनको जरा सीरियसली लेके करें। इनमें से हर एक स्किल के अंदर बहुत पोटेंशियल है, और आप देखेंगे कि जब आप सर्च करोगे ना, तो आप डिफरेंट लोग देखोगे जो सिर्फ एक एक मतलब कि राइटिंग के अंदर ही कोई थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज लेके बैठा हुआ है, और उसमें काम की जा रहा है, की जा रहा है, की जा रहा है, कोई प्रेजेंटेशन में काम की जा रहा है, की जा रहा है, की जा रहा है, कोई ट्रांसक्रिप्शन की जा रहा है, तो बस वही की जा रहा है, तो पैसे कमाई जा रहा है। तो पैसा कमाना इज नॉट अ बिग डील, हमने अपनी स्किल भी इंप्रूव करनी है तो वो इंशाल्लाह साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन पैसे कमाना जो है ना, वो एक छोटी सी स्किल की बेस पे भी आप कमा सकते हो। हाउ टू एड मरियम, मैं ना कल कीवर्ड सर्च कंप्लीट करके आपको वेबसाइट बनवाऊंगा, तो परसों जो है फ्राइडे को इंशाल्लाह हम लोग आर्टिकल पब्लिश करेंगे। आर्टिकल पब्लिश करते हुए आपको बताऊंगा कि अगर गूगल से इमेज लेते हो तो उसमें क्या चीज देखनी पड़ती है कि आपको कॉपीराइट का क्लेम ना आए, और क्या क्या रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप इमेज आपको लेना चाहिए, और गूगल से लेते हो तो किस तरह से इमेज लेना चाहिए, और अगर आप कोई ऐसा इमेज लेते हो जिसमें जो किसी की कॉपीराइट्स हैं किसी का है, और उसमें आप उसको किस तरह से मेंशन कर सकते हैं, उसको लिंक बैक कर सकते हैं ताकि उसको कोई टेंशन ना हो, आपने बताया हो कि भाई इसका इमेज है मैंने वैसे यूज किया है। जी अल्लाह हाफिज। सीरियसली लेते तो उनकी वजह से सर जो कोर्स पे फोकस हैं उनको भी नुकसान होता है, सो प्लीज सर उनको इग्नोर करें, और जो चीज़ वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं वो ये सीरियस नहीं हुआ है। तो हम इफ्तार, असल में यार मैंने बताया मेरी कोशिश ये होती है, मतलब अब ये तो आपकी एक सपोज कर रहे हो आप, एज मे बी उनके को मजबूरी भी हो, बात ये है कि मेरी कोशिश होती है कि जो आए हैं ना कुछ लेके चले जाए, क्योंकि मुझे मुझे कोई टेंशन नहीं है कि अगर मैं किसी को कुछ ज्यादा सिखा दूंगा या अच्छा सिखा दूंगा तो वो मेरा रिजल्ट तो लेके जाएगा नहीं, उसकी वजह से मेरा रिजल्ट बढ़ना ही है, उसका भी फायदा होगा मेरा भी फायदा होगा। तो मेरी बस ये कोशिश होती है कि जो लोग आए हैं मैं उनको रियलाइज करवाऊं कि ये फील्ड क्या है और उसको क्या करना चाहिए, बेशक उनके पास शायद पहले से बहुत अच्छी अच्छी चीजें हों, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हों या कोई सेटअप्स हों, लेकिन ये है कि स्टिल इस फील्ड के बारे में बताना मेरा ये फर्ज बनता है, मैं उनको बताऊं और रियलाइज करवाऊं और उनको इस साइड पे लेके आऊं। मैं इसलिए हर तरह का ऑप्शन देता हूँ कि मेरे से बात करो और चीज को परफॉर्म करो, प्रॉपर क्लासेस लो, जो कोई इशू आ रहा है उसको डिस्कस करो, एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको अवेल करो, और फिर किसी की जगह पे बैठे हैं आप सब लोग, अगर बहुत सारे लोग हैं जो नहीं सिलेक्ट हो सके, वो एक छोटा सा टेस्ट है, उस पर क्राइटेरिया बना के फिल्टर लगता है, फिल्टर में कट लगता है, उस कट से नीचे जो रह गए वो रह गए, मे बी वो बहुत ज्यादा नीडी हो, लेकिन फिर भी बस अल्लाह की तरफ से जिसको चांस मिल गया, और तो ये सब चीजें। जी, फीडबैक आप लोगों ने हर वीक में दिया करना है, जिसमें आप लोग मुझे फीडबैक करेंगे, एसएनई को, लैब मैनेजर को, जिया साहब को, रिजवान को, मुझे, तो उसमें ये है कि आप लोगों ने फीडबैक देना है और बताना है कि किस तरह का आपका कोर्स जा रहा है, किसी किस्म का इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, वो ना हमेशा शेयर होता है ना किसी लैब मैनेजर के साथ, ना रिजवान जो एसएनई उनके साथ, वो स्टेट ऑफ मैनेजमेंट को जा रहा होता है, तो उसमें कोई भी इशू होता है वो मतलब हमें नहीं पता कि आपने उधर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, तो वहाँ पे जो भी फीडबैक हुआ करे वो दिया करें, आपके पोर्टल के थ्रू ही होता है, तो फीडबैक हर वीक लाजमी फिल किया करें आप लोग, और अटेंडेंस भी।
ट्रांसक्रिप्शन पे नवीद मुझसे पूछ लो, उसमें स्किल असल में क्या है यार, चीज सुननी है और लिखनी है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जो इशू आता है ना लिसनिंग में आता है, कि वो चीज फ्लुएंस फ्लुएंट बड़ी फ्लुएंसी के साथ बोल रहे हैं और आपको चीज समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए ये है कि आप VLC मीडिया प्लेयर भी यूज कर लो, तो वो वॉइस को स्लो डाउन कर देता है, तो आपको चीज समझ आना स्टार्ट हो जाती है। कहीं डिस्टॉर्शन हो, कहीं प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए ऑडासिटी वगैरह का कोई टूल यूज कर सकते हैं, और भी टूल्स हैं इसके अलावा। और अगर आप चाहें तो ऑडियो या वीडियोस को पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लें, किसी भी टूल को यूज करते हुए वो फ्री में आपको कन्वर्ट कर देगा, लेकिन उसके अंदर इश्यूज होंगे, उसको जैसे समझ आएगा उसने कन्वर्ट कर देना है। बट ये है कि फिर आप पीछे ऑडियो वीडियो चलाएं और उन जो कन्वर्ट हुआ हुआ है ऑडियो टू टेक्स्ट या वीडियो टू टेक्स्ट उसको देखना शुरू कर दें, और वर्ड बाय वर्ड मैच करना शुरू कर दें, जहां आपको लगे कि उसने कुछ और बोला है या कुछ और लिखा हुआ है उसको वहां ठीक कर लें। ये चीजें हैं। अल्लाह हाफिज। चलें जी, मेरी दुआ है सबके लिए। चलें जी, आज फिर क्लोज करते हैं इंशाल्लाह ताला, कल फिर 11:30 पे दोबारा बात होती है। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।